इस बैलगाड़ियों की दौड़ में जो भी जीतेगा उसे सेठ संग्राम सिंह की तरफ से 1001 रुपये इनाम मिलेगा। हार जीत का फैसला हमारे गांव के मुखिया चरणदास जी करेंगे। बाकी अरे बांके, मैं पूछता हूँ तू यहाँ क्यों आ गया? तुझे दौड़ के कायदे कानून कुछ मालूम नहीं है? तो तुम ही समझा दो ना कायदे कानून, गांव के बड़े मुखिया बने फिरते हो। बांके समझ गया ना? अरे हट, संग्राम सिंह के बैल दौड़ रहे हैं तो क्या हुआ? दौड़ वही बैल जीतेंगे जिनमें दम होगा, खम होगा। मैंने इन्हें सेवा की तरह पाला है, कुत्ते की तरह दूध मिलाने के लिए नहीं। बड़ा आया है शेर कहीं का, कभी शीशे में शक्ल देखी है अपनी? तो अब देखे लेते तेरी आंख के शीशे में। अरे जा देख बजर बट्टू, अगर बांके बाबू हार गए ना इस दौड़ में तो इन बैलों की जगह हमें जोत देना और चाबुक ले लेना हाथ में, और अगर जीत गए तो सारे गांव के सामने अपने हाथ से माला पहना देना। बाबू सीढ़ी बजाओ। अरे हाँ, ये तो गजब हो गया। संग्राम सिंह के बैल हार गए और बांके जीत गया। बेटी चलो यहाँ से। बापू जीतने वाले को इनाम नहीं दोगे? तुझे इनाम की पड़ी है या मुझे अपनी जान की फिक्र है? जान की, चल बापू चल ना। भाग्य दौलत का दुम छल्ला, इनाम की थैली और बेटी दोनों को बगल में दबा के नीचे उतारो। अगर वो गांव का मुखिया है तो हम भी बांके हैं गांव के। हम छाती ठोक के कहते हैं हम इनाम वसूल करके रहेंगे। ये इनाम हरामखोर, आज तक हमारे बैल किसी दौड़ में नहीं हारे थे, आज तेरी वजह से हार गए। चले जाओ यहाँ से नवा हराम, वरना खा खींचूंगा तेरी। जाओ। अब मैं तुमसे पूछता हूँ मुखिया, तुम्हें गांव का सरपंच किसने बनाया? आपने सरकार, माँ बाप ने तो सिर्फ चरणदास पैदा किया था। और तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई कि तुमने उस छोकरे को हमारे बैलों के मुकाबले में जीतने दिया? मैं क्या करता सरकार, मैंने उसे हजार समझाया हारने के लिए मगर वो नहीं माना। एक बात कान खोल कर सुन लो मुखिया, जब तक दौलत की चाबुक हमारे हाथ में है हम हार का मुंह नहीं देख सकते। जीत अमीर का पैदाइशी हक है, वो उसे मिलना ही चाहिए। अगर नहीं मिलेगा तो वो उसे खरीद भी सकता है और छीन भी सकता है। आहा, क्या बात कही ये सरकार, मगर बात ये है, लता जी आ रही है, मैं आके आ जाऊंगा, दफा हो जाओ। ये लो लता, ये तुम्हारे लिए है, बाहर का पहला फूल ले लो। मैं तुम्हारा दिया हुआ फूल नहीं ले सकती। लता उठाओ ये फूल और लगाओ अपने बालों में, उठाओ।
तुम्हारे कॉलेज में आजकल छुट्टियां हैं, कहाँ जा रही? मैं अपनी सहेली गीता से मिलने जा रही थी। कोई जरूरत नहीं है किसी से मिलने की, ऊपर जाओ। जाती है कि नहीं? संग्राम सिंह, ये क्या किया तुमने? लता को रुला दिया? मेरी मुंह भोली बहन कितनी भोली है। मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ तुम्हारी खातिर कर रहा हूँ। तुमने मेरे गले में पट्टा जो डाल दिया है, इसलिए कभी कभी भौंकना भी पड़ता है और काटना भी पड़ता है, लेकिन अब तुम्हें जरा जल्दी करनी होगी। किस बात की? तुम एक बात भूल गई हो, लेकिन वो बात मुझे अच्छी तरह से याद है। लता का बाप मरते वक्त एक कागज के टुकड़े पर कुछ लिख गया था, जिसकी वजह से आज तुम इस घर की रानी हो और मैं तुम्हारा वजीर। लेकिन तुम्हारा और मेरा राज इस घर में तभी तक है मेरी भोली बहना, जब तक लता बालक नहीं हो जाती। उसके बाद वो जो भी चाहे कर सकती है, तुम्हें रानी से बांदी बना सकती है और मुझे निगरान से नौकर। इसीलिए तो कहता हूँ कि लता का हाथ जल्दी से जल्दी मेरे हाथ पे सौंप दो, वरना तुम्हारा विधवा होना बेकार गया और मेरा कुंवारा रहना बेकार। आहिस्ता बोलो, आहिस्ता बोलो। लता सुन लेगी तो क्या होगा? वो मुझे सौतेली माँ नहीं, अपनी सगी माँ समझती है। इसके लिए मैं तुम्हारी तारीफ करता हूँ। जो अकलमंद होते हैं वो जहर की गोली भी देते हैं, तो शक्कर में लपेट कर। अरे ये गाड़ी कैसे रुक गई? गाड़ी आगे जाने के बजाय पीछे कैसे आ गई? अच्छा, ये तुम्हारा काम है? हाँ बजरबट्टू, तेरे बैलों को मंत्र से बांध दिया है मैंने। उस दिन बाप इनाम दबाकर और बेटी सर थार कर भाग गई थी, आज रास्ते पर पकड़ लिया मैंने। लेकिन तू ये बोरिया बिस्तर लेकर कहाँ जा रही है? शहर जा रही हूँ, कॉलेज खुलने वाला है। अब मुझे जाने दो बाबा, अगर वक्त पे ना पहुंची तो ट्रेन छूट जाएगी। अरे ट्रेन छूट गई तो कौन सी आफत आ जाएगी? अगर ट्रेन छूट गई तो कॉलेज नहीं पहुंच पाऊंगी, और अगर कॉलेज नहीं गई तो पढ़ नहीं पाऊंगी, और अगर पढ़ नहीं गई तो फेल हो जाऊंगी। स्कूल में क्या पढ़ोगे हो राम? दिल की किताब पढ़ लो, ये पढ़ लो दिल की किताब पढ़ लो, दिल की किताब पढ़ लो। किताब में क्या मिलेगा हो राम? ये चेहरा जनाब पढ़ लो, आहे पढ़ लो चेहरा जनाब पढ़ लो। स्कूल में हजूल में क्या पढ़ोगे हो राम? दिल की किताब पढ़ लो, अरे पढ़ लो दिल की किताब पढ़ लो। करो यहाँ बैठो, जरा सोचो हम आपका हाल चाल पूछेंगे, हम आपका हाल चाल पूछेंगे। मास्टर जी तो सवाल पूछेंगे, सवाल में क्या रखा है? हाय सवाल का जवाब पढ़ लो, आहे पढ़ लो सवाल का जवाब पढ़ लो। करो नफी करो,
तौबा करो, बेकार भेजा खराब होता है, बेकार भेजा खराब होता है, मुश्किल बड़ा ये हिसाब होता है, हिसाब का ही शौक है तो प्यार बेहिसाब पढ़ लो। स्कूल में क्या पढ़ोगे हो राम, दिल की किताब पढ़ लो, यह पढ़ लो दिल की किताब पढ़ लो। समा रोज कहाँ आओ यहाँ, कितने दिनों बाद आज मिले हैं, कितने दिनों बाद आज मिले हैं, दो चार दिन तो ये फूल खिले हैं, के दो चार दिन भी यूं ही है, कर लो खराब पढ़ लो, आहे पढ़ लो कर लो खराब पढ़ लो। स्कूल में ए हजूल में क्या पढ़ोगे हो राम, दिल की किताब पढ़ लो, आहे पढ़ लो दिल की किताब पढ़ लो। बैठी हूँ और ट्रेन में भी सफर किया है, लेकिन जो मजा बैलगाड़ी में बैठकर आया वो कभी नहीं आया। मगर ये तो बता, वो दिलदार गाड़ी में कौन था जो अब तक तेरे दिल की गाड़ी हाँक रहा है? अरे वो देख, लता आ रही है, चलो हम लोग उसका तमाशा करते हैं। कैसे? ये आवाज किसने निकाली? मैंने नहीं निकाली। मैंने नहीं तो? मैंने भी नहीं, मैंने भी नहीं। खबरदार, कह देती हूँ। इतनी जल्दी आ गई? आज से मैं कॉलेज नहीं जाऊंगी। क्यों? वहां सब लड़कियां मुझे सताती हैं। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने बार बार और बारी बारी वही बात कही, जैसे मैं सुनती हूँ तो पागल सी हो जाती हूँ। क्या कहा उन्होंने? चिंगादर सलाम से। मेरी बेटी चिंगादर का नाम सुनकर कॉलेज से भाग आई है। क्या तुम चाहती हो वो यहाँ से भी चली जाए? ओह लता, बड़ी हो गई है, कोई दूध पीती बच्ची नहीं रही। चिंगादर सारा फिर शुरू हो गया, डॉक्टर को बुलाना पड़ेगा। इस इंजेक्शन से ये कई घंटे सोई रहेंगी, जागेंगी तो याद भी नहीं आएगा क्या हुआ था। डॉक्टर साहब। यस। अरे आपकी फीस। डॉक्टर साहब, इस बीमारी का आपकी साइंस में और कोई इलाज नहीं है? है, बड़ा सीधा इलाज है। क्या?
शादी। थैंक यू। सुन लिया तुमने? मेरे हनुमान का तमाशा देखो, कैसे गाड़ी को उलट देता है और फिर सीधी कर देता है। चल बेटा चल, चल हनुमान चलो। शाबाश शाबाश, उठा उठा बेटा, शाबाश। गाड़ी उलट तो गई है, सीधी करना जरा मुश्किल है। अरे जाओ जाओ रामू पापा, चलो हनुमान चलो। चलो हनुमान चलो, शाबाश। अरे बांके, अरे बांके भैया, तेरी चिट्ठी। वो तो कहती थी चिट्ठी नहीं लिखेगी, मेरे लिए काला अक्षर भैंस बराबर है। प्यारे ये प्रेम पत्र नहीं, सरकारी पत्र है, जिला कलेक्टर की चिट्ठी। ए भाई, कहीं दिमाग तो नहीं चल गया तेरा? इतना बड़ा हाकिम मुझे चिट्ठी क्यों लिखेगा? जरा बराबर देख, बांके बाबू लिखा है क्या? अरे वो बांके बाबू थोड़े ही लिखेंगे। यही तो मैं कहता था। लिखा है श्रीमान चोखेलाल बल अनोखेलाल। जिला कलेक्टर ने मुझे श्रीमान लिखा है? हाँ। जरा चिट्ठी खोल के पढ़ना। अरे ओ बजर बट्टू, इधर आओ। अरे इधर आओ ना जल्दी। ये देखो, जिला कलेक्टर मुझे श्रीमान कहकर पुकारता है। जरा आगे पढ़। ए बजर बट्टू, बुदबुदा क्यों रहा है? गला फाड़ के पढ़ जैसे मैं बोलता हूँ। तेरी तो पांचों घी में और सर कड़ाई में हो गया बांके। अपनी तो हमेशा पांचों घी में और सर कड़ाई में होता है। आगे पढ़ बांके। तुझे जिला कलेक्टर ने बधाई दी है। किस बात की? प्यारे तुम्हें सरकार की तरफ से अव्वल नंबर का इनाम मिला है। क्यों? अपने खेत में एक एकड़ में जितना अनाज तुमने उगाया है, सारे जिले में किसी ने नहीं उगाया। कलेक्टर साहब कल खुद तशरीफ ला रहे हैं अपने हाथ से तुझे इनाम देने के लिए। इसका मतलब ये है कि वो इनाम मुझे पार्वती के बाप के सामने दिया जाएगा। अरे यार तुम भी अजीब नमूने हो, भला गांव के मुखिया की गैर हाजिरी में तुम्हें इनाम कैसे दिया जाएगा? ए बजर बट्टू। माननीय सभापति जी, भाई और बहनों, अगर भारत के हर गांव में बांके जैसा एक किसान भी मिल सके तो हमारे देश को बाहर की मंडियों में न बिकना पड़ेगा, न किसी के आगे झोली फैलानी पड़ेगी। हमारा देश फिर से वही हो जाएगा जो पहले था, सोने की चिड़िया, सारे संसार की अन्नपूर्णा। अब मैं सभापति जी से प्रार्थना करता हूं कि वो अपने हाथों से बांके बाबू को माला पहनाए। ये क्या कर रहा है बेटे? ये तुम्हारे पुण्य बताप है माँ, इसे तुम्हारे पाँव में रखना हो। नहीं बेटे, इसे मेरे पाँव में नहीं, अपने बापू की तस्वीर के नीचे रख। वो हमेशा कहा करते थे, विद्या आदमी को फरिश्ता बनाती है, लेकिन उससे भी बढ़कर है खेती, जो हर इंसान का पेट भरती है। इसीलिए उन्होंने तुझे किसान बनाया है बेटे। इस इज्जत के असली हकदार वो है। उनकी तस्वीर को प्रणाम कर बेटे। बापू, ये मेरा नहीं, तुम्हारा ही नाम है। आज तुम्हारे विश्वास के आगे दुनिया ने सर झुका दिया। आज तुम जिंदा होते तो मैं। क्या हुआ माँ? माँ तू रो रही है? कुछ नहीं बेटा, कुछ नहीं, ऐसे ही जी भर आया। आंसुओं को दोनों बार रोकना मुश्किल होता है। बहुत ज्यादा दुख हो या बहुत ज्यादा खुशी, चल बेटा तेरी नजर उतार दूं। बांके, ओ बांके, ऑल इंडिया रेडियो वाले आए हैं तेरे लिए। रेडियो वाले आए हैं? हाँ हाँ, जल्दी आ जल्दी आ। जय राम जी की साहब। जय राम जी। तुझे जो इनाम मिला है ना, उसके बारे में सारी बातें मशीन में भर के रेडियो में सब कुछ सुनाएंगे। हम आपसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं, आप उनके जवाब देंगे। मुझसे? अरे तू क्यों डरता है? तू जहाँ अटकेगा वहाँ मैं समझा दूंगा। जी नहीं, आपको बीच में नहीं बोलना है। क्यों नहीं बोलूंगा साहब, ये हमारा गांव का लड़का है। आप सवाल करो साहब, मैं जवाब दूंगा, पर इतना बता दो, शहर में पारो और गांव में उसका बाप मुखिया सुन सकेगा? क्यों नहीं, वो लोग रेडियो लगाएंगे तो जरूर सुन सकेंगे। जरा ऊंची आवाज में पूछना जिससे सब साफ साफ सुन सके। माइक प्लीज।
आपने सारे जिले में सबसे बढ़कर अनाज पैदा किया है। आपने खेती बाड़ी के बारे में कहीं शिक्षा ली है? शिक्षा की अच्छी कही साहब, ये तो अंगूठा छाप है। ए मिस्टर, बीच में मत बोलो। सॉरी सिस्टर। ये बड़े ताज्जुब की बात है, फिर भी किसी खेती बाड़ी के शिक्षक से आपने कुछ खास बातें तो सीखी होंगी। बजर बट्टू कहेगा, आप भी कमाल करते हैं साहब। जिस तरह मछली के बच्चे को तैरने और शेर के बच्चे को शिकार करने की शिक्षा नहीं लेनी पड़ती, उसी तरह किसान के बच्चे को भी ताशकारी सीखनी नहीं पड़ती। ये ठीक कह रहे हैं, ठीक कह रहे हैं। ये हमारा ये बांके बाबू है अंगूठा छाप, लेकिन बात करता है हथौड़ा छाप। हे मिस्टर। कौन? बंद किया सिस्टर। एक सवाल और पूछता हूँ आपसे, आपकी नजर में गाँव की जिंदगी और शहर के रहन सहन में क्या फर्क है? रेडियो साहब, फर्क तो वो बताए जिसने कभी शहर देखा हो। हम तो इस गांव को छोड़कर दूसरे गांव भी कभी नहीं गए। ये धरती हमारी माँ है और इसकी गोद इतनी बड़ी है कि हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ी। क्या मतलब, आज तक आप शहर गए ही नहीं? शहर का तो फोटो भी नहीं देखा हमने। पारू, तेरा जाने मन तो कुएं का मेंढक है, बिल्कुल बुद्धू मालूम पड़ता है। बड़बड़ मत कर, पहले सुन तो। बाकी बाबू, आपने शादी नहीं की अब तक? जी नहीं। खेतों में धान और गेहूं की फसल तो काफी पैदा कर ली आपने, घर में खुशी का बाग नहीं लगाएंगे? लगाएंगे साहब, साल दो साल में फिर आना। अब तो सिर्फ खेत देखा है, फिर बाग बगीचा भी देख जाना। देर है तो सिर्फ पारो की शहर से आने की, वो वहाँ कॉलेज में पढ़ती है ना। आप कॉलेज की पढ़ी लिखी लड़की से ब्याह करके शहरी बाबू बन जाएंगे या उसे अपने सांचे में ढाल लेंगे? मैं शहरी बाबू कभी नहीं बनूंगा। किसान के घर जन्म लिया है, हमेशा किसान ही रहूंगा। बाकी रह गई पारो की बात, वो भी सुन लीजिए। हम जितना जानते हैं उसे, वो हमारे शरीर की शक्ति, हमारे बाजू का जोर जरूर बनेगी, पांव की जंजीर नहीं। बंद करो इसे, प्रोग्राम खत्म हो गया। प्रोग्राम तो अब शुरू हो गया। हाँ, तुम्हारे बांके बाबू ने डंके की चोट पर ऐलान कर दिया है घर में बगीचा लगाने का। मैं तो ये सोच रही हूँ, जिसने खेत में अनाज इतना पैदा किया, उसने बाग में फूल भी उतने ही हो गए, तो हमारी पारो का क्या होगा?
अरमान होता है, हर उस कली पे ये गुमान होता है, तेरे मेरे प्यार की है ये कोई निशानी हो। कलावती, रूपमती, वासमती, मैंने तुम्हारे लिए दिन छोड़ा, दुनिया छोड़ी, घर छोड़ा, घरवाली छोड़ी, लेकिन तुम बड़ी बेवफा निकली। हमसे आंख में चोली खेलती रही और चांदी की पहल पहन के छन छन करती हुई पहुंच गई बांके के घर। सरकार से उसे कृषि पंडित का खिताब भी दिलवा दिया। चौथी कौन? खिताब उसे नहीं तो और किसे मिलेगा? वो जी तोड़ कर मेहनत करता है और तुम क्यों? जिस तरह वो मेहनत करता है उसी तरह मैं भी मेहनत करता हूँ। लेकिन मेहनत मेहनत में फर्क होता है, इसीलिए तो उसके खेत सोना उगलते हैं और तुम्हारे खेतों में सिर्फ धूल उड़ती है। खैर, खेतों की बात जाने दो, एक बार अपने घर पे नजर डाल के देखो और पूछो अपने दिल से, मेरा आमदन क्यों सोना पड़ा है अब तक? वो अपने पड़ोस की राधा एक साल पहले दुल्हन बन के आई और एक बच्चे की माँ भी बन गई, और मैं यहाँ तो आमदन भी सुने और खेत भी सुना। तुमने मेरी यही कमजोरी पकड़ ली है। रानी, ऐसी बातें करके मेरे दिल पे छुरी मत चलाओ। मैं अपनी तरफ से क्या नहीं करता हूँ, क्या नहीं करता हूँ, खेत में हाल भी चलाता हूँ, पानी भरपूर देता हूँ, बीज भी अच्छी रकम का बोता हूँ, लेकिन लेकिन क्या, बीज पौधा बनने में ही नहीं आता तो मैं क्या करूँ? वो मैं नहीं जानती, मैं माँ बनना चाहती हूँ, बहुत से बच्चों की माँ। मैं अभी जाता हूँ। कहाँ जा रहे हो? बाहर। मैं जब भी ये बात करती हूँ तुम बाहर चले जाते हो। अरे भगवान, मैं तुम्हारे काम से जा रहा हूँ। कल रास्ते में 100 साल की बुढ़ी एक बंजरन मिल गई थी, उसने कहा ऐसी एक पुरिया देगी जिससे खेत भी हरे हो जाएंगे और घर में बच्चों की लाइन लग जाएगी। सच? बात खत्म हो गई, बात खत्म हो। क्या हुआ फिर छिंगवाड़ी? हमेशा यही होता है, काम तुम खराब करती हो बदनाम हम हो जाते हैं। आप नहीं मारूंगी छिंग, जल्दी से जाओ और पुड़िया लेके आओ। अच्छा। जाओ ना। छिंचना नहीं, ना दबा के रखो। लता, तुमने अपनी शादी का कार्ड फाड़ दिया? मैंने शादी का कार्ड नहीं, माँ का हुक्म फाड़ा है। माओं को बहुत शौक होता है अपनी बेटियों के हाथ रंगने का, लेकिन वो मेहंदी से अपनी बेटियों के हाथ रंगती हैं, औलाद के खून से नहीं। बेटी, तुम्हें क्या मालूम ये फैसला करने से पहले मेरे दिल पर क्या नहीं गुजरी? ऐसा कौन सा दरवाजा है जो मैंने नहीं खटखटाया? ऐसे कौन से चौखट है जिस पर झुककर मैंने नाक से लकीरें नहीं खींची? जो भी लड़का मैंने तुम्हारे लिए देखा, उसने एक तरफ तराजू में तुम्हारे बाप की दौलत को रखा और दूसरी तरफ तुम्हारे बचपन के दोष को। उसी वक्त वो फैसला सुनाकर चला गया कि उसे यह रिश्ता मंजूर नहीं। लेकिन माँ, ऐसा कौन सा दोष है मुझ में? नहीं नहीं बेटी, मैं तो उसका नाम भी नहीं ले सकती। लू तो ऐसा लगता है जैसे जबान पर अंगारा रख लिया। तुम्हें मेरे सर की कसम माँ, आज तो तुम्हें बताना ही होगा। वही तुम्हारा पागलपन बेटी,
जो एक मामूली शब्द से बारूद की तरह भड़क उठता है। डॉक्टरों का कहना है शादी के बाद ये बीमारी ठीक हो जाएगी। माँ तुम एक काम करो, मुझे किसी पागलखाने में भेज दो, मगर ये ब्याह ना करो मेरा। माँ तुम एक बार संग्राम सिंह की उम्र देखो और मेरी उम्र देखो और बताओ तुम्हें कोई मेल नजर आता है दोनों में? तुम्हें एक बार उस तस्वीर की तरफ देखो, ये तुम्हारे पिता की तस्वीर है जो आज की नहीं बहुत साल पहले खींची हुई है, और फिर मेरी तरफ देखो, क्या हम दोनों का मिलाप हो सकता था? लेकिन हुआ ना, जो आज बात तुमने अपनी माँ से कही है यही बात मैं अपने पिता से कहती तो आज मैं जिंदा न रहती। तो ऐसा करो माँ, मुझे मार डालो, मुझे मार डालो, ये शादी मुझे मंजूर नहीं। जिस घर से मैं आई हूँ, जिस घर में तुम पैदा हुई हो, वहाँ शादियाँ से होती है, फर्ज की मजबूरी, धर्म की मजबूरी, समझी? पांके, पांके, बेटा आप खाना खा ले, काम छोड़, खड़ी दोपहर हो गई। चलो रामू काका, माँ खाना लाई है। अभी आता हूँ, थोड़ी सी कटाई और कर लूँ। कटाई और जुताई तो लगी रहती किसान के साथ, माँ को इंतजार कराना, भगवान को इंतजार कराना है। चलो रा चलो। अच्छा भाई चलो। काका गाड़ी रोको, मैं अभी आई। क्या लाई है माँ? वही जो तुम्हें पसंद है, बाजरे की रोटी और चने का साग, और चटखारे के लिए आम का अचार, ऊपर से मटका भर के छाछ। बाबा ओ माँ के बाबू, तुम्हारा हिस्सा बटाने मैं भी आ गई हूँ। ए बजर बट्टू, तू कब आई? बस स्टेशन से सीधी चली आ रही हूँ। बात हुई ना, देख ले माँ कितनी कसी है तेरी बाजरे की रोटी में, ये बिन तार के तार में बंदी चली आई। चल इसको भी परोस दे माँ। अरे ये तो शहर से आ रही है, मक्खन तोस खाने वाली, बाजरे की रोटी कैसे हजम करेगी? सब हजम होने लगेगा जब खेतों में मेरे संग काम करेगी, मेहनत की भट्टी में तपकर शरीर फौलाद हो जाएगा, तब बाजरे की रोटी तो क्या लोहे के चने भी चबा जाएगी। जैसे मैं अब नहीं चबा सकती, शहर में तो थोड़े दिन रही हूँ, सारी जिंदगी उसी कुएं का पानी पिया है, उसी चक्की का आटा खाया जिसका तुम खाते हो। तो लेखा जबान की जगह दांत चला आपने। अगर मैं दांत चलाऊंगी तो तुम भूखे रह जाओगे, इसलिए माँ जी आज नहीं कल खाऊंगी। अब चलती हूँ, बापू इंतजार कर रहे हैं। पढ़ाई खत्म कराई बेटी? हाँ माँ जी, इम्तिहान देकर आई हूँ, नतीजे का इंतजार है। ए बजर बट्टू, अपने बापू से कह देना कि बांके ने बहुत इंतजार किया है, अब और इंतजार नहीं कर सकता है। गीता, 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 गीता। हेलो लता, क्या बात है, बड़ी घबराई हुई दिखाई दे रही हो। हाँ प्रसाद, मैं बड़ी मुसीबत में फंस गई, अगले इतवार को मेरी माँ संग्राम सिंह के साथ मेरी शादी कर रही है, कार्ड भी छप गए। बहुत पहुँचावा मालूम होता है वो खुसट भेड़िया। क्या खिताब दिया तुमने उसे? खुसट भेड़िया, खिताब बड़ा फिटे। पहले तो वो सिर्फ तुम्हारी जायदाद हड़प करना चाहता था, अब उसने तुम्हारी माँ को भी मुट्ठी में कर लिया है और तुम्हें भी हड़पना चाहता है। इसलिए तुम्हें गीता की सलाह लेने आई थी। गीता तो कल शहर चली गई। क्या शहर? हाँ, वहाँ हमारे चाचा रहते हैं, बहुत बड़े वकील हैं वो, उन्हीं के पास गई है। अब मैं क्या करूँ? गीता नहीं तो क्या हुआ लता, उसका भाई जो है तुम्हारी मदद करने के लिए। मैं तुम्हें शहर ले चलूंगा। वहाँ पहुँच कर अपने चाचा से कहकर उस संग्राम सिंह के बच्चे को एक कानूनी नोटिस दिलवाऊंगा। हाँ। उसके बाद तुम्हें जबरदस्ती की शादी से बच जाओगी और तुम्हारी सारी जायदाद तुम्हें वापस मिल जाएगी। अरे वाह, तो चलो अभी शहर चलते हैं। खाली हाथ शहर जाने के लिए और कानूनी कार्रवाई करने के लिए काफी रुपयों की जरूरत पड़ेगी लता। रुपया तो सारा माँ और संग्राम सिंह के पास रहता है, वो तो मुझे देंगे नहीं। तो फिर एक काम हो सकता है। क्या? अगले इतवार तुम दुल्हन बनो। हाँ? सारे जेवर पहनो और मौका पाकर वहां से खिसक लो और स्टेशन पहुंच जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार वही करूंगा। इसके पहले कि संग्राम सिंह तुम्हें ढूंढ पाए हम लोग शहर पहुंच जाएंगे। ओ प्रसाद, आज तुमने मिलते मैं तो बर्बाद हो जाती। अपनी बहन की सहेली की मदद करना मेरा फर्ज है लता, इतवार को स्टेशन मत भूलना। श्योर श्योर, बाय बाय प्रसाद। बाय बाय। ए बजर बट्टू, तेरा बापू घर में है क्या? है तो जाके बोल हम आए हैं।
बोलती हूँ। मैं भी तो देखूं कौन आया है। देखना भालना बाद में काका, पहले कुछ जलपान का इंतजाम करो। हाँ मिठाई ना ला सको तो हम गुड़ से मुंह मीठा कर लेंगे। मुंह मीठा करना तो बाद में देखा जाएगा, पहले जा मुंह धो क्या कहीं से। काका आज मुंह बड़ी जोर से धोया है। नहीं 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 नहीं, फिर भी इस काबिल नहीं हुआ कि मैं अपनी बेटी का हाथ तेरे हाथ में दे दूं। जा, 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 जा। काका क्या तुम हमें सच में जाने को कह रहे हो? हाँ हाँ मैं यही कह रहा हूँ, और आइंदा इस दरवाजे पर आना भी नहीं। ये क्या कह रहे हो भैया, परसों का अपना दिया हुआ वचन भूल रहे हो? लक्ष्मी बहन तुम तो तब की बात कर रहे हो जब गेहूँ एक रुपया मन बिका करता था। वो मंडियां कब की बंद हो गई और वो गेहूँ बेचने वाले सौदागर ना जाने कहाँ चले। तुम ये तो सोचो भैया, बाकी और पारो जब खिलौनों और गुड़ियों से खेलते थे तब से एक दूसरे से प्यार करते हैं। लेकिन बहन मेरे लिए शादी गुड़ियों का खेल नहीं है। मैंने अपनी बेटी को कॉलेज तक इसलिए नहीं पढ़ाया है कि मैं एक दिन उसे ऐसे गंवार जाहिल और अनपढ़ के पल्लू से बांध दूं। भैया मैं तुम्हारे आगे भीख की झोली फैलाती हूँ, मेरे बेटे का दिल मत तोड़ो। हाँ हाँ तुम्हारे बेटे का दिल न तोड़ू लेकिन अपनी बेटी का नसीब फोड़ लूं। तुम्हें झोली फैलानी है तो किसी दूसरी जगह जाके फैलाओ। दानवीर करण कोई और होगा इस गाँव में, मैं नहीं। मैं तुम्हारे पांव पड़ती हूँ भैया। खबरदार जो तूने ऐसे किया तो मेरा सर कट के गिर सकता है। माँ तेरा सर किसी के पांव में झुक नहीं सकता। चल हम यहाँ से चलते हैं। बाकी तुम जा रहे हो? हाँ मैं जा रहा हूँ। तुझ में हिम्मत है तो पकड़ मेरा हाथ और चल मेरे साथ। आज दिखा दे अपने बाप को, दिल का बाजार है ना जो, उसमें गेहूं की मंडी की तरह सौदे नहीं होते। मोहब्बत के तराजू में कॉलेज की डिग्री नहीं रखी जाती, इसमें दिल रखे जाते हैं। दिल ऐसा दिल है तेरे पास तो चल अभी चल मेरे साथ। बांक है, मेरी बेटी कहीं नहीं जाएगी। जा पारो के अंदर जा। बापू अंदर जा, खून खराब हो जाएगा यहाँ। अच्छा काका तो हम चल दिए तुम्हारे दरवाजे से, लेकिन हम फिर आएंगे दरवाजे पर तुम्हारी बेटी का हाथ मांगने नहीं, तुम्हें अपनी दुल्हनिया दिखाने आएंगे जो तुम्हारी बेटी से कई ज्यादा पढ़ी लिखी कई ज्यादा सुंदर होगी। चल मां। वो मुखिया का बच्चा अपने आप को क्या समझता है, दुनिया में सिर्फ उसकी लड़की पढ़ी लिखी है, दूसरा कोई नहीं। अरे मुखिया को मारो गोली, तुम शहर चले जाओ, सुना है वहाँ पर एमए बीए पास फुलझड़ियाँ ऐसे घूमती है जैसे गाँव में भेड़ बकरियाँ फिरती है। सिर्फ आंटी में पैसा होना चाहिए। पैसा बहुत है अपन के पास, लेकिन मेरे जैसे अनपढ़ से कोई शहरी लड़की शादी करने के लिए तैयार भी होगी? क्यों नहीं होगी, अब पढ़े लिखे भी समझ गए हैं कि पढ़ भर लेने से पेट नहीं भर सकता, इसलिए भैया पढ़े लिखे लोग भी गांव की तरफ भागने लगे हैं। बात तो तूने पते की कही, लेकिन शहर ससुरे का तो हमने फोटो भी नहीं देखा। हमें तो ये भी नहीं मालूम कि वहां जाके कहां ठहरना है, किससे मिलना है। अरे तुम भी बड़े भोले हो बांके बाबू, शहर वालों को तुम नहीं जानते तो क्या हुआ, शहर वाले तो तुम्हें सारे जानते हैं। रेडियो पे कितने जोर शोर से तुम्हारा नाम बोला गया है। तेरा मतलब है कि सारी पढ़ी लिखी लड़कियां भी मेरा नाम जानती होंगी? अजय बिल्कुल, तुम तो सिनेमा एक्टर की तरह मशहूर हो गए हो। आ गई बात समझ में, पहले अपना नाम बताऊंगा फिर बात करूंगा। बाके भैया शहर से लौटते वक्त मेरे लिए नया उस्तरा जरूर लाना, ये तो ऐसी कीले जैसी दाढ़ियों से रगड़ रगड़ कर उस तरह से दरांती बन गया। ओ राजा आज तो तू इस दरांती से ही मेरी हजामत कर दे। तेरे उस तरह और बांके बाबू की दुल्हनिया का इंतजार करते करते तो मेरी काली दाढ़ी सफेद हो जाएगी। अरे बजर बट्टू, दुल्हनिया आएगी और जरूर आएगी जो मुखिया की बेटी से ज्यादा खूबसूरत और ज्यादा पढ़ी लिखी होगी, और अगर न ला सका ना तो तुम लोगों को अपनी शकल नहीं दिखाऊंगा। अरे भाई लकड़ियों जरा जल्दी करो, ये हमारे ठाकुर संग्राम सिंह की पहली और आखिरी शादी है। सिर्फ टिकिया लगाना बाकी रह गई है। ओ हो, जो कुछ करना है जल्दी करो, पंडित जी को इसी मुहूर्त में दूसरी शादी करवाने जाना है, शुभ घड़ी निकली जा रही है। हाँ हाँ भाई जल्दी करो, शुभ घड़ी निकली जा रही है। मैं जरा जोड़ी जिसने भी बनाई है बड़ी अच्छी बनाई है, लड़की पगली लड़का अधेड़। बड़ी खुशियां मनाई जा रही ठाकुर साहब की शादी में। लड़की कहाँ, दुल्हनिया कहाँ है?
ओहो अभी आ जाएगी, बकेट नहीं, जल्दी से बुला के लाओ लता जी को, जाओ ना भाई जाओ। लता लता, लता। जल्दी आओ जल्दी, लता लता दरवाजा खोलो, लड़कियों हट जाओ, ठीक है हट जाओ, ठाकुर साहब आए, हट जाओ। लता लता जी बाहर आओ, लता बाहर आओ, निकलिए, मुहूर्त का समय निकल रहा है। लता न जाने अपनी गाड़ी कब आएगी। ओले तो गाड़ी आ रही है, अरे जाओ जाओ अंदर जाओ, जल्दी आ जाओ पानी लेके, लगता है टिड्डियों ने हमला कर दिया। अरे वो डिब्बा तो बिल्कुल खाली दिखता है, चलो चलो चलो। अच्छा भाइयों, राम 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 राम। बांके बाबू अपने बकेट और छाते का ख्याल रखना। कमाल है, मुझे अगर दिखाते हो। कमाल की चीज है सुसरी रेलगाड़ी भी, मिनटों में हवा से बातें करने लगी। ए मिस्टर, तुम इस डिब्बे में कैसे घुसाए? ए बजर बट्टू, ये डिब्बा शहर नहीं जाता है क्या? जाएगा, लेकिन इस डिब्बे का टिकट है तुम्हारे पास? ओए, तुम हमें गुंडा या भिखारी समझते हो जो बगैर टिकट के सफर करेंगे? ये देखो टिकट। ए मिस्टर, ये दूसरे दर्जे का टिकट है। तो क्या हुआ? ये पहले दर्जे का डिब्बा है, फर्स्ट क्लास, इसमें दूसरे दर्जे के मुसाफिर सफर नहीं कर सकते मिस्टर। क्या कहा? दूसरे दर्जे वाले को पहले दर्जे के डिब्बे में नहीं बैठना चाहिए? नो। ओ सहरी बाबू, गांव वाला जरूर हूँ लेकिन बुद्धू नहीं। तुमने शायद हमारा नाम रेडियो पे नहीं सुना, बांके बाबू का नाम आज सारे शहर के दांत खट्टे कर रहा है। अच्छा, तो तुम्हारा नाम बांके बाबू है? तो तुमने सुना है हमें रेडियो पे? हाँ, कितनी प्यारी बातें की तुमने रेडियो पे। तुम्हारा नाम क्या है? लता। बड़ा सुंदर नाम है। और इस बजर भट्टू का? प्रसाद। प्रसाद तो होगा ही, लेकिन कौन सा प्रसाद? राम प्रसाद, बद्री प्रसाद, शिव प्रसाद या शैतान प्रसाद? ए जंगली, जबान संभाल अपनी। ए भाई, काहे को बिना बात के शिकारी कुत्ते की तरह घूर रहा है, इसे मारो गोली। तुम ये मूंगफली खाओ, इन्हें मैंने अपने खेत में खुद पैदा की है। मूंगफली ये लो। लता, भूखा लगता है, दो चार इसे भी दे दो, चिल्लाना तो बंद करेगा। लता, तुम भी देहाती बन गई हो, मूंगफली खा रही हो। ओ शहरी चूहे, दो चार मूंगफली खाने से अगर आदमी देहाती हो जाता है तो फकत मूंगफली खाकर जिंदा रहने वाले गांधी जी को क्या कहेगा? अगले स्टेशन पे जब टिकट चेकर आएगा ना रेडियो सिलोन, वो इस बात का जवाब देगा। पहले ये सामान उठा के बाहर रख। अरे उठा के बाहर रख। न जाने आज सवेरे सवेरे किसकी शक्ल देखी जो ऐसे माथा फोड़ के साथ जिग-जिग करनी पड़ रही है। ये तुम्हारे खेत की गाड़ी है ना? खाओ खाओ खाओ। लता, तुमने देखा कैसे कैसे मुसाफिर घुसाते हैं फर्स्ट क्लास में? अब कौन जाने में भला कौन है बुरा कौन है? तुम एक काम करो, ये गहने उतार कर मुझे दे दो, मैं हिफाजत से रख लेता हूँ ब्रीफकेस में। मुझे तो ये बहुत अच्छा भी नजर आता है। लता, तुम बड़ी नादान हो, मुझे तो ये आदमी को चोर उचक्का नजर आता है। चोर उचक्का होगा तेरा बाप, हम जात के किसान है, चोर नहीं। जिनके अपने खेत सोना उगलते हो वो चोरी के सोने पर थूकते हैं। थूक। क्या हुआ? ये गाड़ी तो ऐसे रुक गई जैसे किसी ने मंत्र पढ़ दिया हो। मैं पूछता हूँ जंजीर किसने खींची है? हमने कुछ नहीं खींचा बाबू। तुमने नहीं खींची तो और किसने खींची? तुमने 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 तू तु, तु। ये थैला किसने लटकाया जंजीर से? हमने लटकाया, हमने सोचा ये सामान लटकाने के लिए लगाई है। अरे तुम खुद क्यों लटक जाते इससे? क्या कहा? अरे अभी भी क्या क्या कर रहे हो? इतना वजनदार थैला जंजीर से लटका दिया, जंजीर खींच गई और गाड़ी रुक गई। चलो उतारो उतारो इसे जल्दी, मैं कहता हूँ उतारो। ओ बड़े बाबू, तुम्हारी इतनी लंबी चौड़ी गाड़ी जो सैकड़ों मुसाफिरों और हजारों मन वजन अपने पेट में लिए चली जा रही थी, जरा से वजन से कैसे रुक गई? हमें बुद्धू मत बनाओ, तुमने शायद हमारा नाम रेडियो पे नहीं सुना। बिल्कुल नहीं सुना। तो इनसे पूछ लो। ये आपका आदमी है? बिल्कुल नहीं, उल्टा सेकंड क्लास का टिकट लेकर फर्स्ट क्लास के डिब्बे में घुसा है और ऊपर से दादागिरी कर रहा है। चलो चलो नीचे उतरो। क्यों उतरो? कमाल है, चोरी और ऊपर से सीना चोरी, तुम्हारे जुर्म है जंजीर खींचना, सेकंड क्लास का टिकट लेकर इस फर्स्ट क्लास के डिब्बे में बैठना, तुम्हें जुर्माना भरना पड़ेगा। चलो तो जल्दी। अरे गार्ड साहब, ये गलती आपने जानबूझ के नहीं की, ये बेचारा सीधा साधा आदमी है, इसे माफ कर दीजिए और सेकंड क्लास के डिब्बे में बैठा दीजिए प्लीज। आप कहती हैं तो ठीक है, ये तो हमारी बदकिस्मती है कि आजकल के जमाने में भी ऐसे आदमी मौजूद हैं। बाके बाबू उतरिए। फिर वही, पहले तुम उतरो फिर मैं उतरूंगा। ठीक है। अभी तो शहर की हवा भी नहीं खाई,
और मुसीबत में फंस गए। ये लो। पता नहीं आगे चलकर और क्या भुगतना पड़ेगा। अच्छा लगा। हाँ। चलते हैं। अच्छा। अरे अरे बहुत कम सामान है इसके पास, है ना? मेरी गाड़ी में आओ। छोड़ो छोड़ो। अरे ठाकुर साहब मेरी गाड़ी में आओ। छोड़ो 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 छोड़ो। अरे पहलवान कहो सब ठीक तो है ना? घर में कुशल है ना? भगवान की कृपा है। तुम हमें जानते हो? अरे तुम्हें कौन नहीं जानता, तुम्हारा नाम बैकजीमी। बांके बाबू चोखेलाल। हाँ, वो ही तो मैं कहने जा रहा था। ऐसा बांका चोखा नाम वाला कोई भूले है? हाँ, तुमने हमारा नाम रेडियो पे सुना होगा। रेडियो? हाँ, रेडियो बोल लिया था तुम्हारा नाम भाई। गाना भी तुमने बड़ा बढ़िया गाया था। गाना? हमने तो गाना नहीं गाया था, हमने तो सिर्फ बातचीत की थी। बातचीत तुम्हारे लिए होगी, अरे हमारे लिए तो गाना था। अरे शहर की हर लमंडिया झूम रही थी। अच्छा, और नहीं तो? लेकिन तुम कौन हो? अरे मैं बोई, नहीं समझे? अरे सौदागर मल, जैसा नाम वैसा काम, मेरे जरिए जो चाहिए खरीदो। बोलो स्टेशन खरीदोगे? स्टेशन? हाँ? नहीं बाबा। क्यों? तो रेल की गाड़ी भी खरीदनी पड़ेगी, ये झंझट मोल नहीं लेंगे। अरे तो छोड़ो भगभगड्डा, भर भर गाड़ी में आ जाओ। ये गाड़ी तुम्हारी है? अरे ये गाड़ी क्या, अगाड़ी पिछाड़ी जो कुछ भी है सब मेरा है। आ जाओ मेरी तरफ को, आ जाओ आ जाओ। पहलवान उछलो, रखो पैर सिद्धि पे और बल्लो। गुड मॉर्निंग गेटामल जी। गुड मॉर्निंग मिस्टर सौदागर। सेठ जी आए हैं। हाँ। इनको डबल कमरा दे दो, बर्फानी। हाँ। एयर कंडीशन। ओके। आपका नाम? बांके बाबू चोखेलाल। आपने हमारा नाम रेडियो पे नहीं सुना? जी। अरे क्यों नहीं सुना, हर जगह रेडियो बोल लिया था। देखो चोखे मल भूल जाओ तो कोई बात नहीं, मगर बांके बाबू जरूर लिखना। हाँ। आप किस सिलसिले में यहाँ आए? हम अपनी निजी बात आपको क्यों बताएं जी? देखा इनको? जी गरम मत हो, जहाँ का दस्तूर है। काम तो तीसरे चल लिया है, लिख दो बिजनेस। चाबी निकालो, पहले चाबी निकालो। बॉय बॉय 325। अबे संभाल के सामान उठाना, कीमती चीजें हैं, चल निकल ले। इसको भी पैसे देने पड़ेंगे? अरे सेठ जी तुम इसकी फिक्र मत करो, छोटे मोटे मामले तो मैं निपट लूंगा। तुम सीढ़ी लपक लो, चलो अब मैं चलता हूँ। क्यों बे डिंग डोंग एडवांस? अबे मोटी पार्टी है, सीधा घसीटने का है। ओके, ओके। मत लगा। अरे ये पौधा चार दीवारी में किसने उगाया और कैसे होगा? यहाँ सब कुछ हो सके। अरे ये तो शहर है प्यारे, यहाँ तो पत्थर को निचोड़े तो इसमें से दूध निकाल ले। तुम निकाल सकते हो? निकाल सकते हैं, पर अभी नहीं, अभी रखो। आ जाओ छोरे, चाय बोल दे। आ जाओ चाय, तब आता निकालो मेरे राजा। पलंग के ऊपर आराम से बैठो। नीचे क्या देख रहे हैं भाई? ये देख रहा मुझे नीचे से धक्का किसने मारा? अरे नीचे से धक्का किसी ने नहीं मारा है, होटल वालों ने मुसाफिरों की आराम की खातिर गद्दे के अंदर स्प्रिंग लगा के रखे हैं। फिर से बैठो, देखो कैसा झूला आवेगा। मजेदार बनाइए सुधरी। अभी तो बैठे हो मेरे राजा, जब लेटोगे ना मजा आ जाएगा। अब मतबल की बात करें सौदागर मल। कर लो कर लो कर लो। क्या तुम हमारे लिए किसी कन्या का इंतजाम कर सकते हो? एक का? अरे मैं तो 100 का इंतजाम कर सकूं। तुम्हारे लिए तो जान हाजिर है प्यारे। तुम अपनी जान अपने पास रखो, हमें सिर्फ कन्या ला दो। लेकिन एक बात है, कन्या खूबसूरत होनी चाहिए और पढ़ी लिखी होनी चाहिए। अरे तुम इस बात की फिक्र मत करो बांके बाबू। अरे कन्या MA BA
ऐसे मैट्रिक पास होगी और खूबसूरत भी होगी, पर इसके लिए पैसे जरा ज्यादा लगेंगे। अरे पैसे की हमें क्या परवाह, पैसा तो हमारे खेत में उगता है। तो थमा दो इसी बात पे 200 का चिल्लर। अरे 200 रुपए को तुम चिल्लर कहते हो छिलके? अरे मेरे राजा, शहर में तो 2000 भी पूछना हो में है। आए, गोदरेज की अलमारी आंटी ने बांध रखी है। पर कम करो और दफा हो यहाँ से। अब पर एक बात याद रहे, कन्या मुखिया की बेटी से ज्यादा सुंदर और ज्यादा पढ़ी लिखी होनी चाहिए। अरे इस बात की चिंता सौदागर मल पे छोड़ दो मेरे राजा, तुम तो नहा धो के दूल्हा बन के बैठ जाओ। हार फूल का बंदोबस्त मैं कर लूंगा, मैं कर लूंगा। मुखिया तुमने कहा था ना अपनी बेटी मुझे नहीं दोगे, अब देखना बांके बाबू इस बात का जवाब जूतों की तरह देंगे कि नहीं देंगे। हाँ चाय साहब। ए भाई बाबू, इस चाय की कीमत कितनी? सिर्फ 2 रुपए साहब। हैं 2 रुपए? अरे काहे को ठगते हो यार, गांव में 10 पैसे में लोटा भर के चाय मिलती है, इस चुल्लू पर चाय की कीमत 2 रुपए? देखो तुम जान भी दे दोगे ना, मैं 15 पैसे से ज्यादा देने वाला नहीं। अरे क्या साहब, आप मत दो, हम हिसाब में लिख लेंगे। मेरा भी क्या है, लिख देना है सर। ये क्या कर रहा है? सावित्री सुना है तेरी बुड्ढी माँ चड्डी पहन के स्विमिंग पूल में तैरने को जा रहे हैं। अरे वो दरवाजा नहीं आगे को है। हाँ माना कि वो गोरों से गोरी है, अगर किसे अपना रंग ही पकाना है तो रेगिस्तान की धूप में जा लेते। अरे स्विमिंग पूल में चड्डी पहन के और दरवाजा आ गया, आ दरवाजा आ गया। ठहर जा, ठीक है मैं आ गया हूँ। गुरु गुरु, अरे ये क्या हो गया, तुम कंबल से लिपटे रहे हो या कंबल तुमसे लिपटा हो? बजर बट्टू जो चाय लेकर आया था ना, वो वहां कुछ जादू कर गया, कुछ बटन दबा गया जिससे कमरा एकदम बर्फ की तरह ठंडा हो गया, मेरी तो कुल्फी जम गई। गुरु अब उतार दो कंबल, सर्दी का मौसम चला गया और गर्मियां आ गई। कंबल कमाल हो गया, बट्टे दबाओ तो सर्दी आ गए हैं, बट्टे दबाओ तो गर्मी आ गए। यहाँ पे तो नई पटापट चीजें आ रही हैं, पटापट जा रही हैं। मैं तुम्हारे लिए एक खूबसूरत चिड़िया लेके आया हूँ। चिड़िया? अरे वो चिड़िया नहीं, शहर में लौंडिया को चिड़िया कहने हैं, जो उड़े भी है और उड़ावे भी है। पढ़ी लिखी है ना? अरे मैं है, तुम अंदर चलो जी, अंदर चलो 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 चलो। रानी आजा अंदर को, आजा अंदर को, जाओ अंदर को, जाओ अंदर को, और अंदर को जा। ए बी सी डी भी आ रहे हैं कि नहीं कम भगत को? मैं लाने का काम मेरा था, अब जब तक तुम नहीं बुलाओगे ना मैं अंदर ना आने का। अच्छा अहम निकालो 200 का चिल्लर। अरे अभी तो 200 का चिल्लर दिया था, तुम तो चिल्लर ऐसे खाते जैसे गांव में बैल चारा खाते। चलो यहां से, लमटिया के सामने पैसे से करवा लो, निकालो जल्दी से। कचरा निकाल 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 निकाल। समय आ सावित्री। नाम क्या है तुम्हारा? हर कमरे में मेरे अलग अलग नाम है, कहीं सलमा, कहीं सूजी, कहीं सरला। इस वक्त मैं सावित्री हूँ। नाम को मारो गोली, बड़ी कहाँ तक हो? बहुत दूर तक, मैं हिंदुस्तान की हर भाषा जानती हूँ। अच्छा बजर बट्टू, तुम्हारी शिक्षा कहाँ कहाँ हुई है? कलकत्ते में, मद्रास में, लखनऊ में, दिल्ली में। दिल्ली में? तुम दिल्ली में भी पढ़ी हो? फिर तो तुम्हें पढ़ाने वाले बड़े बड़े मास्टर मिले होंगे। जो जो भी मुझे मिला, कुछ पढ़ा गया, कुछ सिखा गया। हाँ ये बात हुई ना, माँ बाप तो है ना तुम्हारे? नहीं है, चल बसे। भाई बहन तो होंगे। अब फालतू बातें छोड़ और मतलब की बात करो। जल्दी रे बदली है। चुप बजर बट्टू, मैंने तुझे पढ़ी लिखी खानदानी लड़की लाने को कहा था
और तू ये चलती फिरती दुकान ले, हमें बुद्धू समझता? नहीं 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 नहीं, चलो से बाहर निकल, अभी निकालता हूँ। गुरु, सावित्री की छोटी बहन भी है। अरे क्या कर डाला बहन है इसके साथ, बैठ की तरह कांप रहा है बेचारा। मैं भी कांप रही हूँ लेकिन गुस्से से। तुम भी क्या अजीब अजीब ग्राहक ढूंढ कर लाते हो, जी चाहता तुम्हारा मुंह नोच लो या अपने मुंह पर गिन गिन कर तमाचे मारो, इसलिए तो तुम्हारे साथ आना पसंद नहीं करती हूँ। छोड़ इस बात को, ये बता कि तेरी बुड्ढी माँ चड्डी पहन, तू तो तेरी माँ पे मुझे करना चाहिए, बुड्ढी होके चड्डी पहन के स्विमिंग करती। क्या हो गया पहलवान? छिनाल कहीं की, ये तो भगवान का लाख लाख शुक्र है कि हम इसके चुंगल से बच निकले। कहीं शादी से पहले हमारा ब्रह्मचर्य भ्रष्ट हो जाता तो हम कहीं के नहीं रहते। अरे भूल तो मेरे से हो गई पहलवान, मैं समझा कि तुम बांके बाबू हो, लौंडी अभी तुमको बाकी चाहिए होगी, मुझे क्या मालूम था तुम इतने कट्टर ब्रह्मचारी हो गए। बात ये नहीं है सौदागर, हमने पूरे गाँव के सामने दावे के साथ कहा था कि हम मुखिया की बेटी से कहीं ज्यादा सुंदर, कहीं ज्यादा पढ़ी लिखी लड़की लेके आएंगे। अगर ये दावा पूरा नहीं कर सके तो हम गांव वापस नहीं जा सकते, हम किसी को अपनी शक्ल नहीं दिखा सकते। अरे पहलवान दिल छोटा ना करो, अब कैसे वैसे ही लड़की लाऊंगा जैसी कि तुमको चाहिए है। हमने बहुत तलाश की लता जी की, लेकिन अब तक उनका कुछ पता नहीं चला। इंस्पेक्टर साहब, लता सर से पांव तक जेवरों से लदी हुई थी। मुझे तो सिर्फ एक ही डर लगता है, लता नादान लड़की है, कहीं कोई उसे जेवरों की खातिर भगा ना ले जाए, उसकी जान ना ले ले। आप भरोसा रखिए ठाकुर साहब, पुलिस उनकी तलाश में कोई कसर नहीं उठा रखेगी। थैंक यू इंस्पेक्टर। आई, अरे रुक 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 रुक, लाल झंडी निशान आ गया, पीछे को ले, पीछे पीछे ले, पीछे ले, पीछे ले, पीछे ले, पीछे पीछे ले, पीछे ले, पीछे ले, पीछे ले, ओले ओले ओले, बस। अरे जल परी और खुशकी पे खड़ी, हेमा, मनोरमा, नहीं रीना, नहीं 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 नहीं, लक्ष्मी, लक्ष्मी इधर बेटा क्या देख रही हो? अरे तुम्ही को तो पुकार दिया हूँ, अरे पहचाना नहीं मुझे लक्ष्मी? मेरा नाम लक्ष्मी नहीं, लता है। लता याद है, लता ही तो है, जवान लुढ़क गई सुसरी, अब मुद्दत भी तो हो गई तुम्हें देखे हुए, पर यहाँ क्या कर रही हो अकेली? कुछ नहीं। कुछ नहीं, आज ये मत समझना कि हम कुछ नहीं समझते, जब एक लमड़िया भरपूर जवानी में, भरपूर दुपहरिया में और भरपूर पानी के पास खड़ी भी हो तो समझ लो काम भरपूर हो चुका है, जरूर कोई आफत है। तुम्हारे पति ने तुम्हें छोड़ दिया तुम्हें? क्या वक्त हो, मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई। फिर लुढ़की जवान, तो फिर जरूर किसी ने धोखा दिया है तुम्हें। हाँ ये ठीक कहा तुमने। ए, लगी लगी, मेरे अपने शहर का एक लड़का है प्रसाद, उसने मुझे धोखा दिया। दे 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 दे। मुझे अपने साथ शहर ला रहा था लेकिन रास्ते में मेरे सारे गहने लेके भाग गया। लो बस भाई, मेरे होते हुए ऐसे डाकू फिर रहे दुनिया में? अरे सौदा गरमल से सौदा कर दिया है प्रसाद, अरे छबड़ी उलट दूंगा, दुकान पलट दूंगा, अरे जिंदा है मुर्दा हाजिर नहीं कर लिया, दम नहीं लूंगा। अरे एक मासूम लवटिया को धोखा देकर निकल लिया और जो रौलिया का निकली, अरे पानी में तो नहीं गई देवी? देवी तुम्हारा इस शहर में कोई जान पहचान का है क्या? रोनी, रोने से जनता इकट्ठी हो जाएगी और मेरे किए धरे पे पानी फिर जाएगा, तुम फिक्र नहीं करो, मेरे यहाँ पे एक दोस्त है बड़ा दिलदार, वो तुम्हारा जरूर बंदोबस्त कर देगा, चलो मेरे साथ। क्या करता है? अरे जी तो आशीर्वाद का पहला पहला हाथ था, तुम तो मेरी बहना जैसी हो, ऐसा भाई कहाँ मिलेगा तुम्हारा? टैक्सी, आगे को आजा, आजा आगे को, आजा आगे को, आजा आजा, तुम भी आ जाओ, आ जाओ। गुरु, अरे सौदागर इतनी जल्दी आ गया? अरे गुरु एकदम नया माल लेके आया हूँ, ऐसा फल जिसे तोते ने भी चोंच नहीं मारी अभी। पढ़ी लिखी है ना? अरे बिल्कुल। नहीं तो अभी बता दे, कहीं तेरी वो सावित्री बहन की तरह कारीगर तो नहीं? अरे ये तो कॉन्वेंट की पढ़ी हुई है, बीए भी पास किया है और एमए की भी डिग्री दे रखी है सुश्री ने। एमए की डिग्री? मगर गुरु इसे ढोर ढंगर की तरह मत हांकियो, जरा नन्ही से काम लीजियो। हल्लू हल्लू, अगर ये अच्छे घर की है तो इसे नए पैदा हुए बछड़े की तरह हाथ लगाऊंगा। जा जल्दी जा। अबे ये क्या कर रहा? अरे जल्दी में ब्रेक लग गया, धक्का मार। आओ बहन जी अंदर आ जाओ, अपना ही घर समझो, आ जाओ अंदर, बढ़ लो बढ़ लो अंदर को। Thank you.
लता तू? अरे तुम बजरबट्टू? अरे फिर गया लट्टू, पहले से एक दूसरे को जानो हो क्या? अरे अच्छी तरह जानते हैं, अगर उस दिन इसने रेलगाड़ी में मेरी मदद न की होती तो गार्ड बाबू ने मेरी आंटी में हाथ डाल दिया होता। आंटी से याद आया गुरु, थमा दो दोस्तों का चिल्लर। चिल्लर कैसा, हम तो इसे खुद अच्छी तरह जानते हैं। पहले से लगी लगी हुई है, निकल ले सौदागर। और सुनो, जाते जाते लता के लिए चाय बोलते जाना। बड़ी करारी आवाज में बोला, इतनी जल्दी हवा लग गई शहर की, अपन भी लग गए सुसरे। आ लता बैठो, तुम भी यहाँ शादी करने आई हो? तुम यहाँ शादी करने आए हो? और नहीं तो क्या, तुमने रेडियो पे हमारा ऐलान नहीं सुना था कि हम शादी करेंगे तो गांव के मुखिया की बेटी पार्वती से? हाँ सुना था, मगर उस कमीने मुखिया ने बाद में इनकार कर दिया। हमें जोश आ गया और हमने बिड़ा उठाया और कहा कि मुखिया की बेटी किस खेत की मूली है, हम उससे ज्यादा सुंदर ज्यादा पढ़ी लिखी लड़की से शादी करके दिखाएंगे, इसलिए तुम्हें यहाँ आना पड़ा। मगर तुम यहाँ क्यों आई हो? तुम यहाँ शादी करने आए हो? मैं शादी से भाग कर आई हूँ, वहाँ मुझे जबरदस्ती किसी जालिम के पल्लू से बांधा जा रहा था। फिर वो बजरबट्टू कौन था तुम्हारे साथ गाड़ी में? था एक शैतान जिसे मैं शरीफ समझती थी, वो मुझे रास्ते में उल्लू बनाकर मेरे सारे जेवर उठाकर रफू चक्कर हो गया। अच्छा हाँ। लेकिन वो तो बड़े लोगों की तरह ऊंची हाग रहा था, वो कहीं मुझे मिल जाए तो उसका चूरमा ही बना डालूं। लेकिन छोड़ो उस कमीने की बात, लो चाय पियो। पता नहीं तुमने कब से चाय नहीं पी। तुम भी पियो। मैं? हाँ, 50-50। मतलब? आदि आदि। तुम पियो ना। Darling, how was the movie? Oh, fine. Oh, my darling, you're listening to the guitar, you know. La la la. Oh, please. Maki Babu, Maki Babu, you're going to get Prasad. Prasad? Huh? Ram Khor, mil gaya tu. Chau chau. Who are you? Your father, Banjar Battu. And ye kehne aaya hu, Barkhurda, apni maa ke kandhe se haath hata. इसी तरह वो माल वापस कर दे जो तू चुरा कर लाया। कौन सा माल, क्या बोलता है तू? अभी दिखाता हूँ, इधर वही माल जो कल इसके गले में था, कान में था, हाथ में था और इस वक्त तेरे कब्जे में। क्या बकवास करता है, न मैंने कभी तुझे देखा है और न इसे। प्रसाद तुमने कभी मुझे देखा तक नहीं? छोड़ इसे, मालूम होता है इस बजर बट्टू की नजर कमजोर हो गई है और ऊपर का लालटेन बुझ गया है। बच्चू हमें बुझा हुआ लालटेन जलाना खूब आता है। लगता है तुम मरने के लिए आया है बेटा, ले जरा। बाकी बाबू क्या हुआ? तू बजर बट्टू समझा था मैं मर गया? अरे वो सुरमा अभी तक पैदा ही नहीं हुआ जिसने बाके पे हाथ उठाया और जिंदा रहा। तूने अपनी सहरी ताकत दिखाने की दिखा ली, अब जरा बच्चू गांव का जोर देख, ले बेटा संभाल सकता है तो संभाल। जय बजरंग बली। तो मैं फिर जाकर उसे बराबर कर दूंगा। तुम
मेरी तरफ क्या देख रही है? ये खेखी क्या कर रही है? अरे मेरा ठट्टा उड़ा रही हो? नहीं, मैंने जेवरों की बात की और तुम ही करने लगी। क्योंकि इस वक्त तुम मुझे जेवरों से ज्यादा अच्छे लग रहे हो। अरे अब तुम खेखी क्यों कर रहे हो? अब तुम मेरा ठट्टा उड़ा रहे हो? नहीं, जब मैंने कहा कि तुम मुझे अच्छे लगते हो तुम हंसे क्यों? क्योंकि तुम भी मुझे अच्छी लगती हो। तो हम दोनों ब्याह कर ले? हाँ। लेकिन हमारी शादी के बारे में संग्राम सिंह को नहीं पता चलना चाहिए। लेकिन हमारे मुखिया को जरूर पता लगना चाहिए। हाँ। वो जलापे से राख हो जाएगा, जैसे विजयदशमी के दिन रावण जल के राख हो जाता है। मैं शादी का सामान लेकर अभी आता हूँ। बुलाइए। क्या मतलब? मतलब ये कि तुमने अकल की बात की। बजर बट्टू, अभी तुमने हमारी अकल देखी कहा है? तू आराम कर, मैं ये गया और ये आया। जल्दी आना। हवा किधर आता हूँ। ये देखो, साड़ी, नारियल, हल्दी, बिछुए, सिंदूर और मंगलसूत्र। अरे वाह, तुम तो औरतों से भी बढ़ गए। हल्दी, सिंदूर, बिछुए, मंगलसूत्र तक नहीं बोले। और नहीं तो क्या, गांव पहुंचते ही माँ के पांव छू के फटाफट तुम्हारी मांग में सिंदूर भर के ये मंगलसूत्र पहना दूंगा और फिर तुम्हें जिंदगी भर के लिए अपना बना लूंगा। ये क्या, ए बस की ट्रिंग ट्रिंग। हाँ, क्या कहा? पुलिस आई है? अरे पुलिस आई है तो मैं इस लड़की को क्यों बाहर निकाल दूं? पुलिस कमरों की तलाशी ले रही है। जिस कमरे में कोई गैर शादीशुदा लड़की मिलेगी पुलिस उसे पकड़ कर ले जाएगी। आपके कमरे में जो लड़की मौजूद है उसे फौरन चलता कीजिए। क्यों चलता करूं साहब, हम नहीं करेंगे। बजर बट्टू कहने का क्या कह रहे थे मैनेजर? कह रहा था कि मैं तुम्हें बाहर भेज दूं। क्यों? क्योंकि पुलिस होटल में बिना शादी की लड़कियों को पकड़ रही है। क्या होगा? अरे तुम काहे को डरती हो, हमने शादी नहीं की तो क्या हुआ, करने वाले तो है। ये कौन खटपटी दरवाजा ठोक रहा है? अभी देख कर आता हूँ। क्या है बजर बट्टू? जल्दी कीजिए, लड़की को बाहर भेज दीजिए, पुलिस ऊपर आ रही है। अरे आ रही है तो आने दो ना, ये कोई आवारा लड़की नहीं है, हम इससे शादी करने वाले हैं। हाँ। अजीब बीबी और खोने वाली बीबी में जमीन आसमान का फर्क होता है। क्यों इस बेचारी को हवालात में भिजवाते हो? अब भी वक्त है, जाने दो, जाने दो इसे। हेलो हेलो, यहाँ तो सचमुच पुलिस आ गई, एक लड़की को भी पकड़ के ले जा रहे हैं। अरे 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 अरे, तुम तो रोने लगी। देखो देखो, एक तो पहले हमारा दिल कमर गिरने पड़ा हुआ है, ऊपर से तुम आंसू का गदक डाल रही हो। क्या करूं? हाँ, तुम जल्दी से जोड़ा पहन लो, जाओ जाओ जाओ, जल्दी से पहन लो। अरे बजर बट्टू, तुम तो सचमुच की दुल्हन बन गई। आपका क्या रिश्ता है? रिश्ता हमारी तरह सीधे है, ये हमारी बीबी है और हम इसके पति हैं। सबूत? सबूत? सबूत ये मौजूद है। माफ कीजिए, हमने आपको खाम का परेशान किया, सॉरी। चलो, खाम खा परेशान करने आ जाते हैं। अरे तुम उदास क्यों हो गए? गांव में होते हंसते रोते, माँ खुश होती फूल पिरोती, सेहरा बनता बाजा बजता, मेला लगता घर आंगन में, मन की बातें रह गई मन में। तो क्या हुआ? तेरी मेरी शादी सीधी सादी, पंडित ना शहनाई रे, इन सब का काम वहाँ जहाँ शाम ने बंसी बजाई रे।
तेरी मेरी शादी सीधी सादी पंडित ना शहनाई रे इन सब का क्या काम वहाँ जहाँ शाम ने बंसी बजाई रे तेरी मेरी शादी सीधी सादी पंडित ना शहनाई रे इन सब का क्या काम वहाँ जहाँ शाम ने बंसी बजाई रे मेरे मन की ये टोली मेरी सुंदर दुल्हन की बिन बाराती घोड़ा हाथी बिन बाराती घोड़ा हाथी ये बारात सजाई रे इन सब का क्या काम वहाँ जहाँ शाम ने बंसी बजाई रे तेरी मेरी शादी सीधी साधी पंडित ना शहनाई रे इन सब का शाम ने बंसी बजाई रे पढ़ तू लिखी पढ़ी कैसे अपनी आँख लड़ी मैं अनपढ़ तू लिखी पढ़ी कैसे अपनी आँख लड़ी तू शहरी मैं देहाती कैसे बन जीवन साथी सबका क्या काम वहाँ जहाँ शाम ने बंसी बजाई रे तेरी मेरी शादी सीधी सादी पंडित ना शहनाई रे इन सबका क्या काम वहाँ जहाँ शाम ने बंसी बजाई रे कल करना बाकी बातें रोज कहाँ ऐसी रातें यूं मत देखो आंचल छोड़ो यूं मत देखो आंचल छोड़ो तू मेरा राम दुहाई इन सब का क्या काम वहाँ जहाँ शाम ने बंसी बजाई रे तेरी मेरी शादी सीधी सादी पंडित ना शहनाई रे इन सब का क्या काम महर्षि व्यास लिखते हैं महाराज पांडु के घर में पांचों पांडु पैदा ना होते तो भारत कहाँ से होता महाभारत कहाँ से होती कुंती कुंती हाँ हाँ कुंती क्या बड़ी अच्छी चरित्र वाली देवी थी कुंती माँ बन गई और पोंडा राजा ने कुछ नहीं किया अरे कुछ तो शर्म करो भगवान पांडु महाराज का नाम ऐसा अनादर से लिया जाता है अरे मैं तो उनका नाम बड़े आदर से ले रही हूँ आजकल ऐसा महापुरुष कहाँ मिलता है जो अपनी पत्नी को संतान का दान मांगने दूसरों के घर भेजते क्या मतलब मैं भी हाँ चुप तू समझती कि मैं पांडु राजा हूँ बिल्कुल नहीं मैं तो एक साधारण मनुष्य हूँ मुझसे ही भूल हुई है तेरे सामने महाभारत जैसा ग्रंथ खुल के बैठ गया मुझे तो इसमें कोई भूल नजर नहीं आती भूल नजर नहीं आती अरे ओ कुंती बड़ी चरित्रवान देवी थी पति को परमेश्वर मानती थी तो क्या मैं चरित्र वाली नहीं हूँ मैं तुम्हें परमेश्वर नहीं मानती हाँ मानती है बैठ बैठ अरे भगवान
देवी देवताओं के नियम कुछ और है, हमारे कुछ और। यहाँ टैक्स भरना पड़ता है, पुलिस स्टेशन है, और वो बीबी होती हुई भी पराई स्त्रियों के साथ संबंध रख सकते थे। अगर हम उस रास्ते पे चले तो हमें सीधा जेल जाना पड़ेगा, इसलिए कि हम मनुष्य हैं। और मैं तो उस जमाने की कथा सुना रहा था। तो क्या हुआ, इस जमाने में कौन सा फर्क पड़ा है? अपने वो सामने वाले घर को ही देखो ना, धनलक्ष्मी को उसके बड़े लड़के की शक्ल गांव के ठेकेदार से मिलती है और छोटे लड़के की साहूकार से। अब बोलो। अरे अकल की कच्ची, एक माँ से पैदा हुए सब बच्चों की शक्ल एक जैसे थोड़ी हो सकती है। किसी के बंदर जैसे हो सकती है, किसी के गिरगिट जैसे हो सकती है, किसी की। तुझे बच्चा चाहिए ना, लेकिन जल्दबाजी मत करना, मैं पूरा विचार करूंगा। तो फिर चलो ना। कहाँ? तुम्ही ने तो कहा था ना पूरा विचार करोगे। अभी विचार करूंगा थोड़ी कहा था मैंने, अभी तो मुझे पड़ोस के गांव जाना है, इस महाभारत को लौटाना, और उस पंडित से जरूर कह के आऊंगा इस महाभारत को वहां कभी ना देना जहां बच्चे ना हो। मैं जब भी ये बात कहती हूँ ये बाहर चले जाते हैं। फुलरानी जी, फुलरानी जी, फुलरानी जी का घर यही है? हाँ यही घर है, और फुलरानी मेरा ही नाम। वाह वाह, माँ बाप ने जैसा नाम रखा ऐसे अल्लाह ने नूर भी दिया है, ऐसे ही अल्लाह ने खुशबू भी दी है। तुम हो कौन? जी मेरा नाम सलीम है, डिस्ट्रिक्ट सहारनपुर का रहने वाला हूँ, पेशे से दर्जी हूँ। अपने बीवी बच्चों को छोड़कर यह रोजी की तलाश में चले आया। अगर आप मेहरबानी कर आपके बरामदे में मुझे अपनी मशीन रखने की इजाजत दें तो मैं अपना धंधा शुरू कर सकता हूँ। सारे गांव में तुम्हें मेरा ही बरामदा पसंद आया और कोई नहीं मिला? मिले मोहतरमा मिले, बगल वाली गली में जमुना देवी मेहरबानी करने को तैयार थी, लेकिन उनकी जगह मुझे कुछ जची नहीं। चौथी गली में गंगा रानी, वो भी तैयार थी, लेकिन उनकी जगह कुछ तंग है। आपकी जगह बहुत अच्छी है। अगर आप इजाजत दें तो मैं अपने कपड़े सीने की दुकान यहाँ शुरू कर दूं। इंशाल्लाह अल्लाह की मेहरबानी से आपका ये सूना घर बाल बच्चों की आवाज से गूंज उठेगा। सर, तुम्हारे मुंह में घी शक्कर, तुम्हारे आशीर्वाद से मैं जरूर माँ बन जाऊंगी। तुम अपनी मशीन यहाँ रख दो और अपना काम शुरू करो। शुक्रिया मोहतरमा, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। ए गाड़ी वाले, ए हमारा मशीन यहाँ पर फिट कर दो। फुलरानी जी, मेरे पास कपड़ा है और मैं चाहता हूँ कि बोनी आप ही से हो, तो मैं आपका फर्स्ट क्लास ब्लाउज और चोली सी दूंगा। पकड़िए, आपका नाप लेना होगा। अरे भाई सौदागर मल, बैसाखी के बखत हमारे गांव में जरूर आना, वहां ये त्योहार किस धूमधाम से मनाया जाता है तुम्हें क्या बताएं, और फिर गांव में हमारी शान देखना, सौकत देखना, ठाट देखना, वहां तुम अपनी बहन से कुछ इनाम भी मार सकोगे। अरे क्यों नहीं, अब तो रिश्ते की लगी लग गई, साला हो लिया मैं तुम्हारा। सौदागर मल, हम बड़े शुक्र गुजार हैं तेरे, ये कह रहे आए थे शहर में, तोहरे होकर जा रहे हैं, ये अच्छा का काम तुम्हें किया भाई। अरे जिंदगी में यही तो एक अच्छा काम कर गया मैं, और कर भी कहां गया, सुसरा हो गया, भूल भुलक के मैं। अरे सीढ़ी बच गई, लपक लो डिब्बा, लपक लो डिब्बा। सौदागर मल, बैसाखी के बखत गांव में जरूर आना। आऊंगा आऊंगा, मगर एक शर्त है, अकेले आए थे अब दुकेले होके जा रहे हो, जब मैं गांव में आऊं तो तीसरा होना चाहिए मुझे मामा कहने के लिए। सौदागर मल, अभी गाड़ी चली नहीं? नहीं चली तो मैं क्यों चले आऊं। अरे अरे खुशी में बावला हो गया मैं। अरे अरे इंजन ड्राइवर फिरकी फिरा, अरे झंडी लिखा दिख गई, झटका लगा चली गाड़ी। लता, ये तुम्हारा घर है? ये तो बड़ा शानदार है, ऐसे लगता है जैसे किसी राजा का महल हो। लेकिन मैं फिर पूछता हूँ, जिस घर से तुम भागकर गई थी उसमें वापस आने का मत बल। अरे मैं अपने घर से नहीं, एक जुल्म के घर से भागकर गई थी, और अब वापस आई हूँ अपनी माँ का आशीर्वाद लेने। शादी तो कहीं भी हो सकती है किसी की, लेकिन विदाई तो मैके की चौखट से ही होती है। तुमने जरा भी शर्म होती तो तुम वापस कभी ना आती, अपनी मांग में लाली भरकर हमारे मुंह पर कालक पोतने आई हो। कालक कैसे? मैंने पाप नहीं किया है माँ, बिया किया है। बिया? कहाँ किया है बिया? होटल के कमरे में। होटल के कमरे में? होटल के कमरे में पाप हो सकते हैं, बिया नहीं। यही सुनने के लिए आई थी लता।
हमें तो यहाँ आके मालूम हुआ कि महलों में रहने वाली माओ के मुंह से सांप की फनकार निकल सकती है। आशीर्वाद का सबब नहीं। चलो राधा। ठहरो नौजवान, मैं तुम्हें जाने से नहीं रोक रहा, लेकिन जाने से पहले तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। औरतों ने जो कुछ कहना और सुनना था वो कह भी लिया और सुन भी लिया। अब दो बातें दो मर्दों के दरमियान भी हो जाए तो क्या हर्ज है? तुम एक मिनट के लिए मेरे साथ ऊपर आ सकते हो? नहीं नहीं बाकी, इसके साथ हरगिज नहीं जाना, तुम इसे नहीं जानते। छोड़ो लता, मैंने बड़े बड़े मूज और बैलों को सिंह से पकड़कर जमीन पर दौरा कर दिया, फिर इसके सर पे तो सिंह भी नहीं है। ये वो चीज है जिससे दुनिया हर रोज खरीदी जाती है और बेची जाती है। तुम मुझसे क्या खरीदना चाहते हो? एक झूठ मूठ की शादी जो एक होटल के कमरे में जैसे हुई जैसे ना। मैं चाहता हूँ तुम जो रुपया ले लो और लता को हमेशा के लिए भूल जाओ। ए बजर बट्टू, ये रुपया किसी और को दिखाना, तुम शायद मुझे नहीं जानते। मैं एक किसान हूँ, किसान का बेटा हूँ। हम अपने खून पसीने से अपने खेतों को सींचना जानते हैं। ये दुकानदारी नहीं जानते। अपनी ब्याहता बीवी का सौदा तुम्हारे खानदान में होता होगा शायद। हमारे खानदान में एक चीज और भी होती है जो शायद तुम्हें मालूम नहीं। जो इंसान हमारा रास्ता काटने की कोशिश करता है वो रास्ता पूछने के लिए भी जिंदा नहीं रहता। देखो, मैं एक शरीफ इंसान हूं, इसलिए पहले मैं तुम्हें जिंदगी और जिंदा रहने का सामान पेश कर रहा हूं। अगर तुम्हें इनकार है तो मौत तुमसे ज्यादा दूर नहीं खड़ी है। अगर तुम चाहो तो अभी ये रुपया ले सकते हो। हाँ, रुपया तो मैं अभी ले सकता हूँ, लेकिन अपनी बीवी को बेचने के लिए नहीं, तुम जैसे कुत्ते के मुंह पे मारने के लिए। हमारे घर में डाका डालने आया था। ए बजर बट्टू, झूठ क्यों बोलता है? साफ साफ क्यों नहीं बताता कि सच बात क्या है? सच झूठ सब चलकर थाने में बताना। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, मेरी बात सुनिए। इंस्पेक्टर साहब, मुझे छोड़ दीजिए, मुझे छोड़ दीजिए। चलो मेरे आओ लता। चलो बाकी खामोश, घबराओ मत लता, मैं वापस लौट के जरूर आऊंगा। देश में संग्राम सिंह जैसे डाकू का नहीं, इंसाफ का राज है। और तू भी सुन ले बजर बट्टू, मैं तुझे चैन से नहीं बैठने दूंगा। जब भी तेरा हिसाब करूंगा, बेहिसाब करूंगा। चुप। ला 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 ला। गोरी पेली चोली में भूखा। आओ बिरादर आओ। वाह 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 वाह, क्या जिस्म है, नीचे हड्डी ऊपर चमड़ी, बीच में से गोश्त गायब। ए गोश्त वाले, तू यहाँ कहाँ से आ गया? मैं वो बाद में बताऊंगा, पहले एक बात बताओ, तुम्हारे माँ बाप ने बेटा पैदा किया था या पतंग तैयार किया? अरे हो, नाप लेता हूँ, गुस्से मत होइए। अरे सीधे खड़े रही। अरे आप तो पतंग की जैसे फड़फड़ा रहे हैं। चलो कपड़े निकालो। नहीं, अरे ये कपड़ा नहीं जो सिलाई का कपड़ा निकालो। नहीं लाए, जाके ले आओ। अरे चार दिन में ऐसा बढ़िया कमीज बना दूंगा ना कि पतंग से पहलवान नजर आओगे। जाओ। तुम मुझे जाओ कहने वाले कौन होते हो? लगता है मैंने आने में जरा देर कर दी। आने में तो देर कर दी, लेकिन जाने में तो देर न कर। बे 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 किसे कह रहे बे? अरे अल्लाह का शुक्र कर, मैंने तुझे सिर्फ बे कहा है, अलीफ नहीं कहा। अरे अलीफ की औलाद, तू जानता है तू किससे बात कर रहा? अरे तो फिर तुम ही बता दो। बताऊं? मैं कोल्हापुर के मशहूर पहलवान रुस्तम ए जमा बब्बर राव का अकेला बेटा हूँ और इस घर का अकेला घर दामाद। संभालो। अरे अल्लाह तेरी शान, बब्बर पहलवान ने बेटा भी पैदा किया तो ये तिनका, और घर वालों ने घर दामाद ढूंढा
तो बेरंग लिफाफा। अबे लिफाफे के बच्चे उठाइए मशीन, भाग जाइए से, वरना इस मशीन से मैं तेरी सिलाई कर दूंगा। तू अगर कोल्हापुरी है तो मैं डिस्ट्रिक्ट सहारनपुर का हूँ, समझा? सलीम, ये क्या किया तुमने? ये मेरे पति हैं। ओ ओ, बड़ी भूल हो गई, बड़ी भूल हो गई। लेकिन शक्ल से तो ये घर का मालिक लगता ही नहीं। तो क्या लगता हूँ, घर का नौकर लगता हूँ? ये अंगूठिया नजर नहीं आई तुझे? माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए। तुझे तो मैं बाद में माफ करूंगा, पहले मैं तुमसे पूछता हूँ, तुमने इस दर्जी को मेरे घर में दुकान खुलने क्यों दी? इसने एक बात कही और मैं मान गई। कौन सी बात? इसने कहा इसके कदम ऐसे हैं कि ये जहाँ जाता है सूने आंगन संतान से भर जाते हैं। भर जाने दो। नहीं, नहीं। जी हाँ जी हाँ, बात कुछ ऐसी ही है। अरे तुम तो यही कहोगे, चलो जाती हूँ ना। अरे चलो अंदर, क्यों मारते हो? जाती हूँ ना, चलो। अल्लाह, बच गया। डाकू मैं नहीं, डाकू वो है जो वहाँ आराम से बैठा हुआ है। डाकू कौन है इसका फैसला अदालत करेगी, आप वकील साहब के सवाल का ही जवाब दीजिए। आपका बयान है कि आप उस घर में डाका डालने नहीं, अपनी बीवी को उसकी माँ से मिलाने गए थे। मैं पूछता हूँ, जब आपकी शादी नहीं उससे, तो आपकी बीवी कैसे हुई? मैं आप पूछता हूँ, तुम कौन हो ये बोलने वाले? मिस्टर बांकेलाल, नाराज ना होइए, ये बताइए ये सच है या नहीं? वो बात नहीं है बड़े वकील साहब, ये तो ऐसी बात करते हैं जैसे मेरी शादी के बारे में ये मुझसे ज्यादा जानते हैं, इससे मुझे गुस्सा आ गया। वकील ऐसे ही सवाल पूछते हैं? लगता है इन्हें और कोई काम नहीं, जब तो ऐसे उठपटांग सवाल पूछते हैं। साहब, आप नाक घुमा के क्यों पकड़ते हैं? आप सीधे मेरे बीवी से पूछ लीजिए, हमारी शादी हुई या नहीं हुई। विथ योर परमिशन योर ऑनर। मिस्टर बांकेलाल, खफा मत होइए, हम उनसे बाद में पूछ लेंगे, पहले आप अदालत को ये बताइए कि आपने लता से शादी की या नहीं। मैं भगवान की सौगंध खा के कहता हूँ साहब, बंसी वाले के सामने इससे शादी की है मैंने। लता जी, इन्होंने आपसे शादी की? जी नहीं। लता, लेकिन मैंने इनसे शादी की। योर ऑनर, ये कभी नहीं कहती है, कभी हाँ कहती है, मुझे तो इनका दिमागी तवाजुन ठीक नहीं लगता। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, अगर सरकारी वकील का ये ख्याल है कि गवाह का दिमागी तवाजुन ठीक नहीं है तो डॉक्टरी मुआयना करा सकते थे। ये बात हमें गवाह के कोर्ट में आने के बाद मालूम हुई, आप अभी डॉक्टर को बुलाकर इनके दिमाग का मुआयना करा सकते हैं। पहले तुम अपने दिमाग का मुआयना कराओ कि वो ठीक है कि नहीं। मिस्टर बांकेलाल, आप खामोश रहिए, आप कहना क्या चाहते हैं? मैं अदालत से दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि जो डॉक्टर लता का बचपन से इलाज करता रहा है उसे एक और गवाह के तौर पर पेश करो। इजाजत है? प्लीज योर ऑनर। डॉक्टर टोपी वाला, डॉक्टर टोपी वाला, डॉक्टर टोपी वाला, आप लता को कब से जानते हैं? बहुत परसों से। उनके दिमाग के बारे में आप क्या जानते हैं? जब ये 7 साल की थी, इन्हें पागलपन की बीमारी हुई थी, और अब ये बीमारी इतनी बढ़ चुकी है कि इन्हें इस बात का भी होश नहीं रहता कि ये क्या कर रही हैं, क्या कह रही हैं। मैं अभी साबित किए देता हूँ, देखिए किस तरह चमगादड़ की तरफ फड़फड़ा रही है। लता बेटी, लता बेटी, लता बेटी, लता, लता। अदालत बड़े गौर के बाद इस नतीजे पर पहुंची है कि मिस्टर बांकेलाल और मिस लता की शादी कानून की नज़र में शादी नहीं मानी जा सकती। मिस्टर बांकेलाल का बयान इसलिए कबूल नहीं किया जा सकता क्योंकि शादी का कोई गवाह मौजूद नहीं, और मिस लता का बयान तो बयान ही नहीं समझा जा सकता, वो एक पागल का बयान है। इसलिए ये अदालत इस शादी को रद्द करते हुए ये हुक्म देती है कि मिस लता को उसकी माँ के सपुर्द किया जाए। भगवान का लाख लाख शुक्र है। क्या हुआ माँ? कोर्ट की सारी बातें मैंने सुन ली, लेकिन तो संग्राम सिंह क्या क्यों गया? मैं कहाँ जाने वाला था माँ, वो तो लता की खातिर चला गया। दोबारा किसी की भी खातिर न जाना बेटे, तू नहीं जानता संग्राम सिंह को, उस राक्षस का नाम सुनते ही मेरे तन बदन में आग लग जाती है। क्यों माँ? कुछ नहीं, कुछ नहीं बेटे, कुछ नहीं। माँ, तुम
भी मुझसे कुछ छुपा रही है। क्या बात है माँ? माँ बताओ क्या बात है? संग्राम सिंह का दिया हुआ एक घाव तो मैंने बर्दाश्त कर लिया, अपनी कोख में ठोकर बर्दाश्त नहीं कर सकती, नहीं कर सकती। मैं सारी जिंदगी तुझे इस तरह बचा बचा के फिरी हूँ मुझसे, जैसे कोई गलाए अपने बछड़े को कसाई से बचाए बचाए फिरती है। माँ उस कमीने ने कौन सा घाव दिया है तुझे? जल्दी बता माँ, तुझे मेरे सर की सौगंध। उस वक्त तो बहुत छोटा सा था जब उसने मेरी मांग का सिंदूर मिट्टी में मिला दिया। बाएं वाले बैल को बोल चल रे और दाहिने वाले को बोल हुर्रे, समझ गया ना? हाँ समझ गया। अरे बांके के बापू, मैं तो इसे सरकारी पाठशाला में भेजने की सोच रही थी, तुमने अपनी पाठशाला में भर्ती कर लिया, हल चलवाना शुरू कर दिया इसे। लक्ष्मी, विद्या आदमी को फरिश्ता तो बना देती है, लेकिन उससे भी बढ़कर खेती है जो सारे इंसानों का पेट भरती है। भाई कितना भी पढ़ लिख लो, नौकरी करके गुलामी करनी पड़ती है दूसरों की, लेकिन किसान किसी की गुलामी नहीं करता, वो अपने खेतों का राजा होता है, अपनी मर्जी का खुद मालिक होता है। क्यों क्या लाई हो खाने के लिए? वही जो तुम्हें पसंद है, बाजरे की रोटी और चने का साग। हाँ, साथ में चटकारे के लिए आम का अचार और मटका भर छाछ। वाह 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 वाह, चल चल चल। लक्ष्मी देखा, छोटा सा बुटका भर का है लेकिन कितने शान से हल चला रहा है। अरे किसान का बेटा है, किसान ही बनेगा, कोई मुंशी पटवारी थोड़ी बनेगा। अरे वो देखो, बड़ा खतरनाक बैल दिखता है। अरे बाकी, अरे बेटे, बजर बट्टू, मैंने बड़े बड़े बैलों को सींग से पकड़ कर गोरा कर दिया है, तू तो चीज ही क्या है? बड़ा सताया इस बैल ने हमें, इसके पीछे भाग भाग के दम निकल गया हमारा, लाओ भाई इसे हमें दे दो। हाँ हाँ बजर बट्टू, इतनी आसानी से थोड़े ही दे दूंगा इसे, सूरज डूबने तक और इसकी मस्ती खत्म होने तक इसे हमारा खेत जोतना पड़ेगा। जानते हो ये किसका बैल है? अरे किसी का होने दे, इसने मेरे बैल का पैर तोड़ा है, अब इसे उतना ही काम करना पड़ेगा जितना मेरा बैल करने वाला था। अभी तक हम शराफत और भलमन साहब से पेश आए, ये बैल हमें देता या नहीं? सूरज डूबे तक नहीं, जाके अपने मालिक से कह देना कि वो सारी दुनिया का मालिक नहीं है, समझा? कह देंगे, आगे थूम करता। अरे भाग बजर बट्टू कहीं का। ए चल, चल। उसकी ये मजाल, चलो हम दुनिया के मालिक ना सही, लेकिन हम अभी चल कर उसे बताते हैं कि उसकी जगह इस दुनिया में क्या है और कहाँ है। बैठो। खाल खींच लो इसकी। बदतमीज, नमक हराम। देख क्या रहे हो, उठाओ इन्हें, अब ले जाओ यहाँ से, निकाल लो अपने बैल को और जोड़ दो इसको इसी के हल में। हम इसे दिखा देना चाहते हैं कि इसकी जान हमारे बैल की जान से ज्यादा कीमती नहीं है। उठाओ ले जाओ इसे। और जोर से खींचो। ठीक है, अब मालूम हुआ तेरी जगह क्या है और कहाँ है। अरे ये तो मर गया, चलो चलो जल्दी करो। बाबू, बाबू, आ,
बाकी बापू मेरे साथ ये जुलम हुआ बेटे, लेकिन मैं आवाज भी ना निकाल सकी। निकालते भी ऐसे सुनने वाला कौन था? गांव के सब लोग उसके नौकर या गुलाम थे। तेरे पिता की चिता कुछ देर जली और जलकर बुझ गई, लेकिन उस चिता का क्या करूं मैं, जब तक मेरे दिल में जल रही है और मुझे जला रही है। बाबू, मैं तुम्हारे खून से पैदा हुआ हूँ, तुम्हारे उसी खून की जिसे इसी मिट्टी में मिला दिया गया है। मैं कसम खाकर कहता हूँ कि उसने इस संग्राम सिंह को मैं माँ, जिस राक्षस ने तुम्हारी मांग से सिंदूर मिटाकर राख भर दी, जिस भेड़िए ने एक बेटे को बाप से हमेशा के लिए जुदा कर दिया, मैं उस कुत्ते को। मैं इसीलिए तो आई हूँ बेटे, मुझे मालूम था तो संग्राम सिंह के खून से वो चिता बुझाने की कोशिश करेगा जो मेरे अंदर जल रही है। मुझे वचन दे बेटे। बोल माँ, तुझे क्या चाहिए? संग्राम सिंह का लहू चाहिए जिसे तेरे पांव धोए जाए, या उसकी बोटियां चाहिए जिन्हें सुखाकर इस खेत में डाल दिया जाए? मैं तेरे पैरों की सौगंध खाकर कहता हूँ माँ, इस वक्त मेरे मुंह से जो वचन निकलेगा झूठा नहीं होगा, चाहे मेरी जान चली जाए। तो वचन दे बेटा, तू अपने बाप के खून का बदला संग्राम सिंह के खून से नहीं लेगा। माँ, अपने पिता की मौत का बदला लेने की बात भूल जा बेटा। माँ, तू चाहती है मैं उस कमीने को जिंदा छोड़ दूं जिसने मेरे बापू को घोट घोट कर मारा? तू दूसरी चिता जला के पहली चिता की आग ठंडी नहीं कर सकता बेटा। हाँ, तू खूनी बन सकता है, अब तो तेरी माँ की आंखों से सिर्फ पानी बहता है, फिर खून बहता हुआ देखेगा। माँ, अगर मुझे पहले मालूम होता तू इस तरह मेरे हाथ काट डालेगी, मैं तुझे कभी वचन नहीं देता। माँ, बेटा, किसान के हाथ में दराती फसल काटने के लिए दी जाती है, किसी का गला काटने के लिए नहीं। उस पापी का हिसाब तो वही करेगा जो सारी दुनिया का हिसाब करता है। अच्छी बात है माँ, मैं संग्राम सिंह से खून का बदला खून से नहीं लूंगा, मैं उसे छोड़ दूंगा कुत्ते की तरह मरने के लिए। लेकिन एक बात कह देता हूँ माँ, मैं उसकी जिंदगी हराम कर दूंगा, न वो दिन को आराम से बैठ सकेगा, न रात को चैन की नींद सो सकेगा। बाके बाबू, अरे आओ बाके बाबू, बाके जल्दी आओ। क्या है? लता बड़ी मुसीबत में फंस गई है। मुसीबत में फंस गई है? हाँ, संग्राम सिंह उससे जबरदस्ती शादी कर रहा है, सारी तैयारियां हो चुकी हैं। तुम जल्दी से जाके लता को जालिम के चंगुल से बचा लो। हराम खोर! अरे ओ फोटोग्राफर बाबू, देखो ऐसा फोटो निकालना हमारे ठाकुर साहब की शादी का कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट वाले भी लोहा मांग जाए। फोटो तो हम बढ़िया निकालेंगे, मगर पैसे के मामले में कैंची मत चला देना। अरे नहीं भैया, नहीं, कैंची चलाने वाले कुछ दूसरे होंगे, हम तो उन लोगों में से हैं, खुद भी खाएं और दूसरे को भी खाने दें। मंत्र मंत्र काम कीजिए और जल्दी जरा ज्यादा कीजिए। अभी मुहूर्त का समय नहीं हुआ था पता? अरे पंडित जी, ऐसे ब्याह में मुहूर्त नहीं, जरूरत को देखा जाता है, आप जल्दी से फेरों पे आ जाइए। फेरों पे मंगल 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 तुझे कैसे पता चला? जिस तरह भगवान भक्तों की पुकार सुन लेते हैं, उसी तरह इस पति ने अपनी पत्नी की पुकार सुन ली। बाके, अगर ये जिंदा बचकर यहाँ से जा सका तभी तुम इसके साथ जा सकोगी। जवानो, तू अगर बदमाश कैसी मछली? आगे बढ़ाने। आप कौन है? मैं बताती हूँ।
पुलिस स्टेशन? यस पुलिस स्टेशन, मैं इंस्पेक्टर बोल रहा हूँ। इंस्पेक्टर, मैं ठाकुर संग्राम सिंह बोल रहा हूँ। हेलो ठाकुर संग्राम सिंह, हाउ आर यू? मैं ठीक हूँ। देखो इंस्पेक्टर, वो बांके का बच्चा फिर हमारे घर डाका डालने आ गया है। बहुत अच्छा किया, तुम जल्दी से यहाँ आओ। मैं आ जाऊँ? जल्दी करो। कमिंग कमिंग कमिंग। ये लो, मैं आ गया हूँ। यू रास्कल, तुम? मैं हूँ, मैं चल। जीते रहो बहू। लता ने मेरे खिलाफ रिपोर्ट की है? जी हाँ, लता जी ने अपनी रिपोर्ट में आपकी तमाम ज्यादतियों का जिक्र भी किया है और अपने बचाव के लिए पुलिस से मदद भी मांगी है। लेकिन आप इस रिपोर्ट पर कैसे गौर कर सकते हैं इंस्पेक्टर? लता जी अब बालिग हो चुकी हैं। अगर आपको अपनी इज्जत प्यारी है तो जरा संभल कर कदम उठाइए। नो नो नो, इंस्पेक्टर लता को जरूर किसी ने वरगलाया। मिस्टर संग्राम सिंह, बिल्ली को भी अगर चार दीवारी में बंद कर दिया जाए तो वो शेरनी बन जाती है। आइंदा आप लता जी के मामलों में बिल्कुल दखल ना दीजिए, वरना हमें आपके खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ेगी। मुझे क्या जरूरत है उनके मामलों में दखल देने की? मैं तो सिर्फ उनकी भलाई सोच रहा था। अब अगर आप कहते हैं तो ठीक है, अब आप जा सकते हैं। थैंक यू इंस्पेक्टर। मिस्टर संग्राम सिंह, ये कागज यहीं रहने दीजिए। ओह आई एम सॉरी। सुंदर दस साल का यहाँ कैसे चला रहा है? कहीं धलक से इस फूलों ने दोस्ती तो नहीं कर ली? आइए आइए फिर। अरे रानी जी, नौकरानी को हाथ एक कप चाय भरवा देना सेठ जी के लिए। कहिए सेठ जी, यहाँ आने का कष्ट कैसे किया? मैं तुमसे मिलने नहीं आया हूँ, मैं तो सलीम को अपना नाप देने आया हूँ। आदमी अच्छा है और कारीगर तो बहुत ही अच्छा है। हाँ हाँ, बहुत अच्छा कारीगर है। जब से ये कैंची वाला यहाँ आया मेरी इज्जत खरीद और चली गई है। पॉकेट चार होंगे सेठ जी? नहीं भाई, चार का जमाना नहीं, दो ही काफी है। अरे तू चिल्ला रही है, चाय नहीं चाहिए? मैं चाय की बात नहीं कर रही। तो क्या कह रही है? अंदर मालकिन ने जो भी खाया सब बाहर निकाल लिया। अरे मैंने उसे हजार बार समझा कि अपने पेट का ख्याल रखो, लेकिन वो सुनते ही नहीं। 24 घंटा उसे गोदाम की तरह भरती रहती है। तबीयत खराब नहीं होगी तो क्या होगा? तबीयत खराब सही, मगर खबर तो अच्छी है। क्या है? क्या तुम बाप बनने वाले हो? बाप? मैं क्यों? फिर से बोल। तुम बाप बनने वाले हो? कैसे? इससे हैरान क्यों हो रहे हो राजू? साफ तो कह रही है इतने वर्षों के बाद तुम बाप बनने वाले हो। देखो इस घर में सलीम के चरण पड़ते ही ये सब हुआ। मुबारक हो मुबारक हो। ये खबर सुन के तो मेरा दिल बाग बाग हो गया। मैं तो हर एक घर में जाके मिठाई बांटूंगा। क्या मिठाई तुम बांटोगे? राजू सलीम तो मिठाई बांटेगा, तुम क्या बांटोगे? मिट्टी। अभी दर्जी के बच्चे, मैं पूछता हूँ बेटा मेरे घर हो रहा, मिठाई तू क्यों बांटेगा? लीजिए। अरे बच्चे तो खुदा आसमान में बैठ के तराशता रहता है, वो तो जमीन पे बैठा इंसान ही है जो उन्हें बांटता रहता है। ये तेरा है, ये मेरा है। यकीन मानिए सेठ जी, मुझे तो इतनी खुशी हो रही है जैसे जैसे बच्चा मेरे घर हो रहा है। समझ गए, साफ समझ गए। मशीन उठा, निकल जाए यहाँ से। आप क्यों मजाक कर रहे हैं? मजाक नहीं कर रहा, सच कह रहा हूँ। जब से तुम यहाँ आए हो मेरे दिल पे कुल्हाड़े बरस रहे, आरे भी चल रहे हैं। तो तुम इतना गर्म क्यों हो रहे हो राजू? तुम्हारे घर में सलीम के चरण पड़ते ही तुम्हारी बीवी माँ बनने वाली है तो इसे खुशी होना चाहिए। इसमें बुराई क्या है? बुराई भलाई मैं सब जानता हूँ। अबे दर्जी के बच्चे, तुम यहाँ से जाता ही नहीं तो मैं चला जाऊंगा। आप गुस्सा मत होइए बाबू, मैं ही चला जाता हूँ। मेरी वजह से कभी किसी को कोई तकलीफ नहीं पहुंची, मैं तो सबकी भलाई चाहता हूँ। सलीम तुम बहुत अच्छा आदमी है, तुम मेरे घर चल, मेरे घर का बरामदा खाली पड़ा हुआ है, चल। हाँ ले जाओ ले जाओ ले जाओ जाओ। पहले से ही तुम्हारे घर में बहुत सारे बच्चे हैं, अब तो डबल हो जाएंगे। अच्छा बाबू अब मैं चलता हूँ, ये बाकी सामान मैं बाद में आके ले जाऊंगा। और उनसे भी कह दीजिएगा। क्या उनसे भी कह दूं? गलती मेरी ही है ना, मैं उसे महाभारत सुना था ना, मुझे ये दिन देखना पड़ता।
देखा न कैसे डरा दिया जिया धड़का दिया देखा न कैसे डरा दिया जिया धड़का दिया। अच्छा अरे बाबा बड़े बहादुर हैं क्या कहने आपके। आ, मेरे माँ मर गए मर गए मर गए क्या हुआ मर गए मेरी माँ मर गई मैं तो तूने ओ, ओ, ओ डरा दिया। अरे क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ देखा न कैसे डरा दिया जिया धड़का दिया। देखा न कैसे डरा दिया जिया धड़का दिया। मिटने की मौज में अरे छोड़ छाड़ के गाँव को मर मिटने की मौज में कल देखे कुछ नौजवान भर्ती होते फौज में मैंने भी अपना नाम उनमें लिखा दिया। मेरा क्या होगा क्या करूंगी कैसे जीऊंगी किसी को मर जाऊंगी। हाँ, देखा न कैसे डरा दिया जिया धड़का दिया। देखा न कैसे डरा दिया जिया धड़का दिया। सपने में हाँ डर की रात को सपने में मैंने शोर मचाया था मैंने पूछा क्या हुआ अरे कौन यहाँ पर आया था। मैं तो नहीं आया था पर गलती से तेरा नाम मैंने बता दिया। अरे रे 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 ये क्या किया अब क्या होगा कैसे होगा क्या करेंगे अरे कैसे मिलेंगे। देखा न कैसे डरा दिया जिया धड़का दिया। देखा न कैसे डरा दिया जिया धड़का दिया। ये पहलवा अरे चलो चलो पारो पारो। बाकी बाबू तुम लता बहन को भी साथ लाए हो। नहीं मुझे तुझसे जरूरी बात करनी है। कौन सी बात। वो तेरे ब्याह की बात। बहुत देर में ख्याल आया मेरी खुशकिस्मती आया तुम। तू मेरे ख्यालों से कभी दूर नहीं हुई मैं अब तक अपनी शादी की बुलबुलियों में उलझता रहा फंसता रहा निकलता रहा। पारो क्या तूने अपने ब्याह के बारे में कभी कुछ नहीं सोचा। सोचा था एक बार सपनों का एक घरौंदा बनाया था जिसे तोड़ने के लिए एक बहुत बड़ा तूफान नहीं आया बस नदी से एक छोटी सी लहर उठी और उस रेत के घर को रेत में मिलाकर वापस चली गई। देखो बारो मैं एक किसान हूँ किसान के खेत पर ओले भी पड़ते हैं बाढ़ भी आती खड़ी हुई फसलें उजड़ जाती और किसान के दिल पर आड़े चल जाते लेकिन वो उसी समय हल उठा लेता और तैयार हो जाता है नई फसल बोने के लिए। चलो मैं भी तुम्हारे उसी किसान की बात करती हूँ से नई फसल बोने के लिए कुछ दाने बिखेरने पड़ते हैं कुछ दानों की किस्मत वो जमीन पे नहीं चट्टानों पे जा गिरे वो बीज कभी नहीं फूटे कभी नहीं खिले पौधा बनकर लहलहाना उनकी किस्मत में नहीं था वो जिंदगी भर धूप से चलती हुई चट्टान पर जलते रहे भुनते रहे
बस यही समझ लो कि जिंदगी ने मुझे भी एक ऐसी चट्टान पे लाकर फेंक दिया है। जो पौधे बन के लहला गए तू उनसे जलने लगी है क्या? बाके, तुमने ये बात कह के मेरे जख्मों पर नमक छिड़क दिया। मैं तुम्हारी खुशियों से जलती नहीं बल्कि तुम्हारी लता की खुशी के लिए रोज प्रार्थना करती हूँ। तुमसे एक बार इतना प्यार किया है बाकी कि तुम आज भी मेरी जान मांगो तो हाजिर है, मांग के देखो तुझे। चल तो फिर तू यूं समझ ले मैं अपनी खुशी के लिए तेरी जान ही मांग रहा हूँ। अपनी खातिर ना सही मेरी खातिर तू जल्दी से किसी से ब्याह कर ले। मेरी जिंदगी तो खुशियों की चांदनी रात बन गई है और तेरी उदासी चांद पे काला ग्रहण लगने लगी है मुझे। तुम्हें विश्वास है कि मेरी शादी से चांद ग्रहण हट जाएगा और तुम्हारी चांदनी रात पूर्णमासी की रात हो जाएगी? हाँ तो चलो बाकी मुझे मंजूर है, तुम्हारी खुशियों के यज्ञ में मैं ये आहुति भी डाल दूंगी, मैं शादी करूंगी। दूरे, फुलेनी के बच्चे क्यों रो रहा है? रो नहीं रहा हूं बे। ए? उसने भी बे कहा था, क्या कहा तूने? जो तूने सुना बे। बे कहता है मुझे? बे ही कहूंगा, बे 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 बे। ओ, मेरी आंखों के सामने इसी तरह बड़ा हुआ तो मेरा दिमाग फट जाएगा। मैं तुझे जान से मार डालूंगा, तुझे जान से मार डालूंगा, जान से मार डालूंगा। हाय राम, जान से मार डालूंगा। छोड़ो, तुम बाप हो या कसाई? तुम तो कहते थे घर में बेटा आएगा तो तुम खुशी से नाचोगी, लेकिन जब से ये आया है तुम बिल्कुल बदल गए हो। तुम खुद भी नहीं जानते तुम क्या बड़बड़ाते रहते। हाँ हाँ, मैं सब कुछ जानता हूँ। जो कुछ भी किया गया है बड़ा ठोक बजा के किया गया है। दुनिया के सामने तुमने मुझे मुंह दिखाने लायक भी नहीं रखा है। क्या किया है मैंने? बोलो क्या किया है मैंने? जी, आ गया दर्जी का बच्चा, अभी आता हूँ, अभी आता हूँ। रानी जी, क्या है? सलाम बाबू, सलाम। सलाम बाद में करना, पहले ये बता फिर क्यों आया? फिर तो अपनी दुकान लगाना चाहता है मेरे मकान में? ये बात नहीं है बाबू, मैं आज किसी दूसरे काम से आया। तो तू दूसरा काम भी जानता है? देखिए, मेरी कोई बहन नहीं है और आज राखी का दिन है, इसलिए फुलरानी बहन से मैं राखी बंधवाने आया हूँ। राखी? हाँ, जिस दिन पहली बार मैंने फुलरानी जी को देखा मेरे खुदा ने अंदर से आवाज दी, सलीम ये तुम्हारी बहन है, मुझे राखी नहीं बांधोगी बहन? जरूर बांधूंगी। चुप चुप चियो मेरे भाई। और तुम भी सलामत रहो बहन, और खुदा इस जन्नत की सारी खुशियां तुम्हारे घर में बिखेर दे। लो भाई का ये तोहफा कबूल करो। सलीम भैया, इतना कीमती तोहफा? बहन, दुनिया में जितने भी रिश्ते हैं उनमें भाई बहन का रिश्ता सबसे ज्यादा कीमती। अच्छा मैं चलता हूँ। आज तुम इस तरह नहीं जा सकते साले साहब, पहले तो तुम्हें इस पार्टी को माफ करना होगा, उसके बाद खाना खाना होगा अपनी बहन के हाथ का पका हुआ, बहनों के साथ बैठ के। बोलो माफ किया ना? आप ये क्या मजाक कर रहे हैं राजू बाबू? भला साले की क्या जगह कि बहनों ही को माफ करे? देखिए आप अगर तुम दोनों अंदर आओ, मैं खाना परोसती हूँ। सरकार, आज मैं बहुत दूर की कौड़ी लाया हूँ। बोलो। मैंने पता लगा लिया है कि बांके और लता शहर में कहां मिले थे, कैसे मिले थे और किसने मेल करवाया था। किसने? नाम है सौदागर मल और पेशा है दलाली। अबे तांगे वाले खोचू, तू तो कह रहा था कि रेस का घोड़ा है, मुझे तो यह अभीमसी चट्टू दिख रहा है। इसकी तो दुम भी ना हिल रही, मगर माँ क्या हिल लिया है? अरे छतरी हिल रही है। अरे रुक 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 रुक। हमें रुकने वाला कौन पैदा हो गया? छतरी बोली है? जानता है तू किससे बात कर रहा? किससे? मैं इस गांव का दामाद हूँ, मेरा जन्म काशी में हुआ है। लो और सुन लो, जहाँ लोग मरने को जामे वहाँ से जे पैदा होके आ रहा है। तू कभी काशी गया है? गया नहीं हूँ, पर देखी जरूर है। कहाँ? नक्शे पे बे। अबे तब ऐसे बात बात कर वरना मेरी क्रोधाग्नि भड़क उठेगी। क्या भड़क उठेगी? क्रोधाग्नि, और उसे शांत होने में बरसों लगेंगे। अब समझ गया, आपकी खुददारी देखकर आपकी खिदमत में मेरा नमस्कार। तेरे नमस्कार को मेरा तिरस्कार? अबे मैं सीधा चल लिया हूँ और तू टेढ़ा चल लिया है। तेरे अंदर तमीज है कि नहीं? क्या? मैं बदतमीज हूँ?
मैं रोज आम का तीखा अचार और मिर्ची की बुक्की खाता हूँ, मुझे बहुत गुस्सा आता है। ऊँट के मुँह में जीरा। ऊँट? हाँ ऊँट, जाकर यार जंगल में। लेकिन तू कहाँ जा रहा है? गाँव में। क्यों? नहीं बताऊंगा। नहीं जाने दूंगा। नहीं जाने देगा। नहीं जाने दूंगा। नहीं जाने देगा। नहीं जाने दूंगा। नहीं जाने देगा। नहीं जाने दूंगा। तो सुन ले। सुना? त्योहार मनाने जा रहा हूँ, सोमरस पान करने जा रहा हूँ, बाके का मेहमान बन के जा रहा हूँ। बाके का मेहमान? फिर तो श्रीमान। तो आओ मेरी जान, अब लगी तो लग ली। अब ये तो बता दो, बाके का मकान कहाँ है? वहीं पे। कहाँ पे? शिव जी के मंदिर के बगल में। बगल का? साहूकार के घर के सामने। सामने का? सुमार के घर के बाजू में। बाजू का? अरे धनलक्ष्मी के घर के पिछवाड़े। पिछवाड़ा का? अरे मेरी खोपड़ी पे। अरे तेरी खोपड़ी है कि कहाँ? खोपड़ी नहीं तो क्या तानपुरा है, जो इतनी देर से तुन तुना रहा है। अबे तुन तुने तानपुरा का, मुझे तो कद्दू दिखाई दे रहा है। कद्दू? हाँ, अकल है कि नहीं इसमें? वेरी गुड। अकल नहीं है? अबे अकल होती तो टपकती हुई लुटिया लेके जंगल को जाता। अरे क्या हुआ? बातचीत में असली काम ही भूल गया। अबे मैं नहीं, बहुत मुश्किल है। अबे 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 अरे अबे अबे क्या कर रहे? अबे 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 थर्मास लेके कहाँ जा रहा है? अबे बात जाने दे। अरे हवा हो गया 100 की रफ्तार में, सुन तो सही। थर्मास में गरम चाय है, जल जाएगा। ओ सौदागर माल, शहर से कब आए? अरे आए कहाँ है, अभी तो आ रहे हैं। अरे तुम भूल गए अपने बैसाखी के न्योता? तो फिर रास्ते में क्यों रुक गए, गांव क्यों नहीं पहुंचे? अरे क्या बताएं, एक छेद वाला लोटा पंडित मिल गया, लोटा दे गया हाथ में और ले गया थर्मास मेरा। अब वो निपट ले तो आगे को बढ़े। अरे तू इस आफत को भी साथ लेकर आया है? अरे दिलदार भूल जाओ पुरानी बातों को, मैंने सोचा कि त्योहार है। अरे कोयल की तरह गावेगी और तितली की तरह नाचेगी। सारी दुनिया में दो चार होते हैं हम जैसे जो दिलदार होते हैं, हम जैसे जो दिलदार होते हैं। ओ सारी दुनिया में दो चार होते हैं हम जैसे जो दिलदार होते हैं। जैसे जो दिलदार होते हैं। चलते नहीं रंग अपना वो कभी बदलते नहीं, वो बदलते नहीं। ओ बस यारों के यार, बस यारों के यार, बस यारों के वो यार होते हैं हम जैसे जो दिलदार होते हैं। सारी दुनिया में दो चार होते हैं हम जैसे जो दिलदार होते हैं।
इन इशारों से तुम मुस्कुराना नहीं, मुस्कुराना नहीं। ओ मैं समझता हूँ कोई दीवाना नहीं, खूबसूरत बहाने बनाना नहीं। हम बड़े बड़े संवरते नहीं, हम किसी की गली से गुजरते नहीं। अरे मुझे तो कुछ ना हुआ, इसको हो गया। क्या हो गया? बोरी की तरह खुदक रही थी, पांव फिसला और रेत की बोरी की तरह गिर पड़ी। अरे ओ, इतनी जोर से क्यों उछले? चिल्ला चिल्ला के मार डालेगा इसे क्या? चल हट, हट पर हट। अरे भिन्नो, अरे अरे क्या हो गया मेरी भिन्नो? ओ भिन्नो भिन्नो, क्या हो गया, क्या हो गया? अरे मुबारक हो बाके बाबू। क्या हुआ? अरे तुम बाप बनने वाले हो। अबे क्या बात है? तुम चुप रहो, हम गांव के मुखिया हैं, हमें पूछ लेने दो क्या हुआ। बोलो भाई। अजय तो हक की बात है, लेकिन झा कुछ नहीं हुआ है, जो होना था वो शहर में हुआ है। बात ऐसी है मुखिया जी कि जय पहलवान जी आए थे शहर में पढ़ी लिखी गुड़िया की तलाश में, और टकरा गए मुझसे और जोड़े मेरे हाथ पांव, मुझको आ गया तरस और मैंने शादी कर दी अपनी बहना की इनके साथ में। और जय मौज मजा करके वहाँ से निकल लिए गांव की तरफ, और आते समय उन्होंने कह दी कि त्योहार के दिन बहना को लेके नया आ जाना, और बेचारी जहाँ आके जय लुढ़क गयी। हाथापाई करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम मेरा हाथ पकड़ते हो मुखिया, इसकी जबान नहीं खींच लेते। ये बड़ा संगीन मामला है, इसका फैसला पंचायत करेगी। आओ मेरे साथ, चलो आओ। तुम इस कमीने को नहीं जानते, अगर तुमने इसे मुंह लगाया तो कल सुबह तक ये सारे गांव से कह देगा कि तुम्हारा भी इसकी बहन से कोई रिश्ता। अब मेरी फिकर छोड़ो, अपनी चिंता करो। आओ सौदा करवा लो। एक मिनट जीजा जी। लता, क्या बात है बहू, क्या बात है? तुम इस तरह बच्चों की तरह गिलक गिलक कर रो रही हो। रो नहीं तो और क्या करूं, मैं इतनी चालाक नहीं ना, इसलिए तो आपका बेटा मुझे धोखा दे गया। धोखा? इस बात का सुनकर विश्वास नहीं हुआ। आप उनकी माँ है ना, इसलिए तो आपको उनके पर इतना विश्वास है, लेकिन मैंने जब अपनी आंखों से देखा और कानों से सुना, उस पर कैसे मैं विश्वास ना करूं। अरे ओ बजर बट्टू, अगर भगवान भी धरती पर उतर आए और ऐसी बात कहे तो मैं कहूंगा ये झूठ है, झूठ है, झूठ है। नहीं नहीं नहीं, आपके बिना धुआं नहीं हो सकता है। क्यों माँ जी? हाँ बहू, आपके बिना धुआं कैसे हो सकता? हाँ। कमाल है, तू भी इसकी तरफदारी करने लगी। जिंदगी में एक दिन भी ऐसा बता सकती है जब तू इसे झूठ बोला हो? कभी नहीं,
ये आप क्या कह रही हैं माँ जी? अपने बेटे से क्यों नहीं पूछती कि इन्होंने दो शादियां क्यों की? दो शादियां? मैं कोई शंकर भगवान हूँ क्या? एक तरफ काली खड़ी है और दूसरी तरफ उमा, और मैं बीच में खड़ा नटराज की तरह नृत्य कर रहा हूँ। नाच तो बिल्कुल वैसे रहते, तुम एक तरफ मैं दूसरी तरफ वो, और तुम दोनों में कोई फर्क नहीं समझ रहे थे। आप बोलिए माँ जी। अरे तुम दोनों तो इस तरह बोल रहे हो कि तीसरे को बोलने की जगह ही कहाँ मिलती है। चलो मैं सारी बातें छोड़ देती हूँ, लेकिन एक बात पूछती हूँ, दुनिया में ऐसी कौन सी शरीफ औरत है जो सबके सामने ये बोल सके कि वो माँ बनने वाली है? बजर बट्टू वो शरीफ नहीं है, इसलिए तो इतना बड़ा झूठ बोल सकी। नहीं मैं नहीं मानती, मेरा दिल कहता है तुम दोनों में कोई ना कोई संबंध जरूर है। हाँ है, है, है। क्या? देखो माँ जी, आपका बेटा अपना आप मान रहे, अब मेरा क्या होगा? ये तुमने क्या कह दिया? और मैं क्या कहूँ माँ, कुछ बदमाश न जाने किस मतबल से मुझ पर कीचड़ उछाल रहे हैं, और ये मेरी लुगाई मेरे धर्म की पत्नी उनकी हाँ में हाँ मिला रही है। और मैं कर भी क्या सकती हूँ? तू कुछ मत कर, तू बैठे बैठे तमाशा देखती जा, उन्होंने अपनी चाल खेले थी खेल दी, अब मेरी बारी, देख तू। सौदागर मल जी। हाँ जी। तुमने और तुम्हारी बहन ने पंचायत के सामने जो बयान दिए हैं उन्हें सुनकर कोई फैसला सुना दिया जाए भाई, वो तो एक तरफा माना जाएगा। चौकी बात तो इंसाफ यही है कि मुल्जिम बांके बाबू चोखे लाल को भी अपनी सफाई पेश करने का मौका दिया जाए। हाँ तो ये बतलाओ कि जिरा तुम करोगे? हम मुखिया जी आप इस झंझट में काय को पड़ो हो, मैं निपटे लेता हूँ। हाँ तो जी पूछूं? हाँ जी पूछो पूछो। हाँ पूछो पूछो। हाँ तो बांके बाबू आप शहर में एक पढ़ी लिखी लमडिया से शादी रचाने के लिए आए थे के नहीं? हाँ आया था। लग गई लगी। और मैंने अपनी बहन सावित्री को शादी के लिए आपके चरणों में अर्पण कर दिया था के नहीं? हाँ किया था। अब लगी लगी, अब बाकी के सवालात मेरी बहन सावित्री करेगी। अरे अरे जोरू मरद में शर्म की कौन सी बात है, कौन सी दीवार, ईमान धर्म की बात है, पूछ ले, पढ़ ले आगे कू पूछ। आपने मेरी शिक्षा मेरे परिवार के बारे में नहीं पूछा था। बोलो बोलो बोलो। पूछा था। सुन लो, आपको मेरी कहानी सुनकर मुझ पर तरस नहीं आया था? आया था। और सुन लो, उसके बाद अरे बाबली शर्मावे काय को है, उसके बाद की वो बारीक बात भी पूछ डाल। अरे मुकर थोड़ी सके हैं जीजा जी, इनको मन नहीं पड़ेगा। हाँ 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 रुक जाओ, ये सवाल तुम मेरे लिए छोड़ दो, तुम्हें कुछ और पूछना है तो पूछ लो भाई। और क्या पूछना है, ये हर बात तो मान रहे हैं। हाँ तो बांके बाबू चोखे लाल तुमने सारी पंचायत के सामने कबूल कर लिया है कि तुमने सावित्री से शादी की, या तुम्हें और भी कुछ कहना है? कहना है बजर बट्टू जो कुछ इसने पूछा वो सच है, ये सावित्री बहुत पढ़ी लिखी ऐसो आराम में पली है, अगर मैं इसे शादी कर लेता तो किसान की बीवी की सख्त जिंदगी ये बर्दाश्त नहीं कर पाती, इसलिए इस पे तरस खाकर इसकी मांग में सिंदूर नहीं डाला, इसके गले में मंगल सूत्र नहीं पहनाया। भाइयों जिस तरह वो सावित्री अपने पति के प्राण वापस लेने के लिए यमराज के पीछे पीछे भागी थी, उसी तरह ये सावित्री भी मेरे प्यार में मेरे पीछे पीछे यहां तक आ पहुंची। इसलिए भाइयों मेरा यह फर्ज बनता है कि इस देवी को मैं अपनी पत्नी बनाऊं और इसके गले में ये मंगल सूत्र पहनाऊं। सावित्री पता नहीं तू कहां पैदा हुई कहां पली, फिर भी मैं तुझे अपनी पत्नी बनाऊंगा, एक किसान की पत्नी जिसे अपने पति को खुश रखने के लिए दिन भर चूल्हा फूकना पड़ेगा, खेतों में काम करना पड़ेगा, सर पे गाय भैंसों का गोबर लाद कर खेतों में डालना पड़ेगा, तराटियां जलानी पड़ेंगी, तेरे हाथों में छाले पड़ जाएंगे, खून निकलने लगेगा, मगर तेरे हाथ रुकेंगे नहीं। हाँ सावित्री जल्दी से पहन ले ये मंगलसूत्र। नहीं, नहीं नहीं, ये फांसी का फंदा किसी और के गले में डालो, मुझे किसान की बीवी बनना मंजूर नहीं, मुझे माफ कर दो। अब कहती है माफ कर दो, उस शादी का क्या होगा जो हमने शहर में की थी? नहीं नहीं वो शादी नहीं हुई थी। अच्छा शादी नहीं हुई और गर्व हो गया? नहीं नहीं कुछ भी नहीं हुआ, न शादी न गर्व, मैंने जो कुछ कहा इस सौदागर मल के भय का आखिर का। तू नहीं सक रहे हैं अपनी प्यारी बहन को साथ नहीं लाएगा? वो मेरी बहन नहीं है, वो तुम्हारी जोरू भी नहीं है। मैंने जो कुछ भी किया रुपयों की लालच में झूठ बोल गया मैं, और ये सब कुछ करवाया संग्राम सिंह ने। अच्छा इसका मतलब ये है कोई तुझे रुपयों का लालच दे तो तू किसी की जान ले सकता है, आज तुझे मैं बताऊंगा कि किसान आवारा कुत्तों के साथ कैसे सलूक करते हैं। निकल छोड़ दो इसे हम खुद निपट लेंगे। कांस्टेबल इन दोनों को थाने ले चलो,
सिर्फ इन दोनों से क्या होगा इंस्पेक्टर साहब, उस तीसरे को भी ले जाओ जो गांव का मुखिया बना फिरता है। भाग गया बजर बट्टू कहीं का, बड़ा कानून की कुर्सी पर बैठा इंसाफ कर रहा था। ले चलो इसे। सॉरी। देखो बाबा, मैं बहुत ना समझ निकली, तुम्हें समझ नहीं सकी, इसलिए सॉरी, वेरी वेरी सॉरी। सॉरी नहीं, सॉरी नहीं, चारी नहीं, इस वक्त हम तुमसे बहुत नाराज हैं, बात नहीं करेंगे। लेकिन सरकार, आप ये क्यों नहीं समझते कि जो पत्नी अपने पति से बहुत प्यार करती है वही झगड़ा करती है, और झगड़े से प्यार की नोक और ज्यादा तेज हो जाती है। ओफो, इतनी सी बात के लिए इतना गुस्सा। देखो बाबा, मैं माफी मांग रही हूँ, माफी नहीं मिल सकती। बजर बट्टू, हम पूछते हैं, तुम हमें ऐसा बदमाश समझती हो कि अपने घर वाले को घर में छोड़कर सामने वाली खिड़की में ताक जा करें और प्यार की हरी झंडी घुमाते फिरें? जा। मेरी तरफ देखिए, देखो ना बाबा, हमें कुछ नहीं देखना है। तो तुम मुझसे बात भी नहीं करोगे? नहीं करेंगे। मैं जाती हूँ। जा, डरा दी किसे? मैं सचमुच जा रही हूँ। तो जा, तू चली जाएगी तो कौन सा गजब हो जाएगा। मैं घर नहीं जा रही हूँ, मैं घर से दूर, गाँव से दूर, तुमसे बहुत दूर जा रही हूँ। जा, रोकता कौन है तुझे? माँ पूछे तो कह देना कि तुम्हें नहीं मालूम कि मैं कहाँ गई हूँ। कह देंगे, फिक्र मत कर। लता, लता, आप अपना बचपन याद कीजिए, जब आप 12 बरस की थी उस वक्त क्या हुआ था? नहीं, मुझे कुछ याद नहीं। अपनी यादों के अंधेरों में और डूबिए। अब आप जहां पहुंच चुकी हैं, वहां से एक लंबी अंधेरी सुरंग शुरू होगी और उसमें दूर किसी कोने में वो चीज छुपी हुई है जिसने आपके दिमाग पर एक गहरा जख्म छोड़ा है। आपने सुरंग में क्या देखा आपने, बताइए। नहीं, मैं नहीं बता सकती। आपने सुरंग में क्या देखा? मैंने, हाँ, बोलिए, बताइए, स्पीक। मैंने देखा एक बहन काली चमगादड़ मेरा पीछा कर रही है, और उसके पीछे पीछे संग्राम सिंह उसके पीछे चला रहा है। अब लता कैसी डॉक्टर साहब? घबराने की कोई बात नहीं,
बचपन में संग्राम सिंह नाम के किसी आदमी ने इनके दिल में चमगादड़ का खौफ डाल दिया था और इलाज ना होने की वजह से ये डर बीमारी बन गया। अब वो बिल्कुल अच्छी हो गई हैं। आप उनसे मिल सकते हैं। मुझे तो पहले से ही शक था कि ये उस राक्षस संग्राम सिंह की ही कोई चाल होगी। क्या लता का पागलपन दूर हो गया? अजी सरकार जो हो गया सो तो हो ही गया है, अब जो होने वाला है उसकी फिक्र कीजिए। अब लता को पागल साबित करके ना तो आप उसे जायदाद से महरूम कर सकते हैं और ना बांके से अलग कर सकते हैं। मतलब भी हुआ सरकार आप पे तो दोधारी चल गई। दोधारी तो तुम क्या समझते हो, हम औरतों की तरह घर में चूड़ियां पहन कर बैठे रहेंगे? तो फिर क्या करेंगे सरकार? जो पंचायत नहीं कर सकी, पुलिस नहीं कर सकी, ये मुकदमा हमारा है, हम इसे अपने तरीके से लड़ेंगे। मैं आपको मतलब नहीं समझा। मतलब साफ है चरणदास, जो हमें नहीं मिल सका वो पांके को भी नहीं मिलेगा, जो रेशमी बाहें हमारे गले का हार नहीं बन सकी वो उसको गले लगाने के लिए भी नहीं उड़ सकेंगी। लता ने हमारे दिल का खून किया है, उसकी कीमत उसे अपने खून से चुकानी पड़ेगी। आप खून करेंगे सरकार? हम नहीं करेंगे, हमारे हजारों हाथ हैं, उनमें से एक हाथ तुम्हारा भी है। तुम अपनी बेटी के ब्याह के लिए 50,000 रुपए मांग रहे थे, हम तुम्हें 1,00,000 रुपए देंगे, मगर ये काम तुम करोगे। बोलो मंजूर है या नहीं? मंजूर है कि नहीं? मंजूर है, मंजूर है। सारा गांव सो गया है मुखिया जी, तमाम रास्तों पर सन्नाटा ही सन्नाटा है। ठीक है, लेकिन सुनो, बांके घर में बत्ती थी वो घर में है क्या? खूब अंधेरा पड़ा। इसका मतलब यह हुआ कि बांके घर में नहीं है और लता वहाँ बिल्कुल अकेली है। मंगल ने बताया उसने बांके को बस में बैठते हुए देखा था। तो फिर क्या है, रास्ता बिल्कुल साफ है, जा। ठीक है, ये क्या, ये क्या हुआ पारो? मेरी बाबू संग्राम सिंह के लोगों के साथ लता को जान से मार डालने की साजिश कर रहे थे। मैं भागी हुई तुम्हें खबर देने यहाँ चली आई, बाहर निकली तो खून में शायद मुझे ही लता समझा, कुछ नहीं चला दे पारो। कल ही तुमने कही थी हम तो दुनिया छोड़े जाते हैं, मैं आऊंगी बाकी बाबू, जरूर आऊंगी, जो जन्म में नहीं मिला। उसे अगले जन्म में पाने की कोशिश करूंगी। आगे आगे मेरी किस्मत पारो, नहीं पारो, मुखिया, ओ मुखिया।
अरे बांके, तुम यहाँ इस वक्त आना पड़ गया। और ये? ये एक लाश है मुखिया, जो दूसरी लाश अपने कंधे पर उठाए हुए है। फर्क सिर्फ इतना है कि ये दूसरी लाश अभी तक सांस ले रही है। हे भगवान, ये किसकी लाश लाए? ये वो देवी है जो हमारी खातिर मौत के हवन कुंड में कूद गई। साफ साफ बताओ, ये लाश किसकी है और तुम इसे यहाँ क्यों लाए? यहाँ इसलिए लाया हूँ कि यमराज इसके कर्मों का हिसाब कर सके। तुम मुझे यमराज समझते हो? यमराज और तुम? नहीं नहीं, तुम्हें अभी तक वो उचित कुर्सी नहीं मिली। तुम यमराज के गुलाम हो, मामूली यमदूत। क्या कह रहे हो तुम? मैं कुछ नहीं समझा। समझोगे कैसे? अभी तो लाश मेरे कंधे पे है और इसका मुंह उस तरफ है। देखना चाहते हो कि किसकी लाश है ये? तो देखो। अब तुम हजार बार पुकारोगे तो भी पार्वती तुम्हें जवाब नहीं देगी। सातों आसमान हिल जाएंगे तुम्हारी चीखों से, लेकिन ये होठ फिर कभी नहीं खुलेंगे तुम्हें बापू पुकारने के लिए। मेरी बच्ची पार्वती, पार्वती, पार्वती। रो, जोर से रो। मुखिया, तुमने दूसरों के आंसुओं से अपनी खुशियों के हार पिरोए थे, इस बार सुई उल्टी चल के रोने लगे धाड़े मार मार के। रो, जरूर रो, इतना रो कि तुम्हारे आंसुओं का तालाब बन जाए जिसमें तुम्हारी बेटी पार्वती नहा सके। और उसके बाद बड़े दुलार से इसे शादी का लाल जोड़ा पहनाना और डोली में बिठा कर इसे अपने दूल्हा के घर भेज देना। बांके, मैं पहले ही घायल हो रहा हूँ और तुम उस पर और तीर चला रहे हो। मैं तीर नहीं चला रहा हूँ, मैं तो तुम्हें बता रहा हूँ कि तुमने क्या किया है। तुम्हें रास्ते में कांटों का डर था, मगर तुमने कांटे नहीं हटाए, तुमने अपनी टांगे हटा ली। सोचा न चलोगे न कांटों का सामना करना पड़ेगा। तुम वो मूर्ख निकले मुखिया, जिससे रोशनी बर्दाश्त नहीं होती थी, इसलिए अपने घर का दिया बुझा दिया। ठीक कहती हो बेटा, पारों का खून मैंने किया है। सच पूछो तो मैंने अपना खून कर लिया है, मैंने अपना खून कर लिया है। क्या कहा? बांके ने हमारे नाम पुलिस को नहीं बताया? मैं खुद बताया साहब, मैं चरणदास को बताने दी। उसने सोचा होगा कि अगर वो हमारे नाम पुलिस को बता देगा तो उसकी लाश का भी पता नहीं चलेगा। डर गया साला। मैं डरा नहीं कुत्ते, अगर तुझे पुलिस के हवाले कर देता तो तुझे तेरे पापों की सही सजा नहीं मिलती। याद है मैंने कहा था, जब भी तेरा हिसाब करूंगा बेहिसाब करूंगा। कमीने, आज वही करने आया हूं। Thank you.
मेरी जगह ये कमीना जो महल में। नहीं नहीं बाकी नहीं, मुझे माफ कर दे बाकी, मैं तेरे पांव पड़ता हूँ। तुझे माफ नहीं किया जा सकता, तू वो राक्षस है जो सारी जिंदगी इंसानों का खून पीता रहा है। तो फिर मुझे सतर्पा तड़पा के मत मारो बांके, मेरी जान ही लेनी है तो एक ही झटके में ले ले। बहुत सब दुखों का अंत होती है बेवकूफ, फिर कैसे तुझे जल्दी से मार दूं? गुंडे तेरे का हाथ चला कि बेरहमी से तूने बारों को मारा, उसकी पीड़ा और आखिरी सांस दे, आज जुआ की शकल में तेरे कंधे पे सवार है। चल कमीने चल, चल कमीने चल, ये वही खेदा कमीने जिस पे तूने मेरे बेकसूर बापू का खून बहाया था, आज उसी खून से मिली हुई है मिट्टी तेरा खून मान रही है। आगे बढ़ हराम खोर, हराम खोर। अब सीख रहा है, उस वक्त तुझे मेरी माँ की चीखें नहीं सुनाई दी थी जब तूने उसके सिंदूर को इसे मिट्टी में मिला दिया था, आज वही सिंदूर तेरी मौत का पट्टा बनकर तेरे गले को दबा रहा है। बच्चन की खातिर इतने दिन तक रुक गया था, लेकिन जब इसने पारों को भी मार डाला तो वो वचन टूट गया। अब दुनिया की कोई भी ताकत इसकी जान लेने से नहीं रोक सकती। पहले मुझे चिता में बिठा ले, फिर इस कमीने की जान ले लेना। एक मर्द की विधवा होकर मैं जिंदगी गुजार सकती हूँ, पर एक खूनी बेटे की माँ बन के एक दिन भी जिंदा नहीं रह सकती। तुझे अपना बदला इतना प्यारा है कि एक विधवा काफी नहीं है, अगर मैं तेरे लिए दूसरी भी चाहिए हूँ बाबर आंसू बहाने के लिए। बाकी अगर इस पापी की मौत इसी मिट्टी में हुई जहाँ तुम्हारे पिता की मौत हुई थी, तो ये उनको बहुत बड़ा अपमान होगा। तुम इसे पुलिस के हवाले कर दो बाकी, पुलिस के हवाले कर दो। नहीं बाकी, तुम कानून को अपने हाथों में नहीं ले सकते, ना ही खून का हिसाब खुद कर सकते हो, वो अदालत का काम है। लेकिन इंस्पेक्टर साहब ठीक कहते हैं बेटा, पार्वती के खून के बारे में मुखिया ने हमें सब कुछ बता दिया है। तुमने ये सब क्या कर दिया मुखिया? मैंने ठीक किया है बेटा, मैंने जुर्म किया है, मुझे उसकी सजा मिलनी ही चाहिए। अगर मैं पुलिस से सब कुछ ना कह देता तो तुम कत्ल जैसा भयानक जुर्म पर बैठते और उसी कतार में खड़े हो जाते जिसमें संग्राम सिंह जैसे जालिम और मुझ जैसे जालिमों के गुलाम खड़े हैं। बेटा, हमारे देश को हम जैसे कुत्तों की जरूरत नहीं है, जरूरत है तुम जैसे जवानों की जो अपने असूल के लिए अपनी जान पर खेल जाते हैं। बेटा, अपनी जान को इस घटिया खून के लिए कुर्बान मत करो। बांके, मुखिया ठीक कहता है, मुझ जैसे जलील और कमीने इंसान को ऐसी खौफनाक सजा मिलनी चाहिए कि तमाम दुनिया के लिए एक मिसाल बनकर रह जाए। हो सके तो मुझे माफ कर देना। अरे क्या हुआ? कुछ नहीं, तू बाप बनने वाला है बेटा। ए बजर बच्चू।